हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऐसी ही एक चाइनीज ड्रामा सीरीज को लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें भी ऐसे कुछ होता है। हमारे हीरो और हीरोइन को स्पेशल टाइप का फोबिया होता है, जिसकी वजह से वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो फोबिया क्या है, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नए हैं चैनल पे। तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है हमारी हीरोइन से, जो कि एक नॉवल इवेंट पर आई हुई होती है। वो इवेंट उसके क्रश का होता है, जो कि उसका सीनियर भी है और उसका नाम हैन है। वहाँ पर आसपास की लड़कियों को देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो यही सोच रही होती है कि सीनियर को ये लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, उन्हें तो सिर्फ क्यूट लड़की ही अच्छी लगती है, जो कि मैं हूँ। ये कहकर वो कार के मिरर में देखकर अपनी लिपस्टिक ठीक करने लग जाती है, लेकिन वो जानती नहीं थी कि अंदर तो हमारा हीरो बैठा होता है। हमारे हीरो का नाम गु रैंग है, जो कि गु ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ है। सिंग सिंग को ऐसे लिपस्टिक लगाते हुए देखकर रैंग अपने सेक्रेटरी को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहता है। जैसे ही वो गाड़ी अपनी आगे बढ़ा रहा होता है, तो हमारे हीरोइन की लिपस्टिक खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। रैंग आज यहाँ पर एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हुआ था, और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसकी टक्कर हो जाती है हमारी हीरोइन यानी की सिंग सिंग के साथ में। जिंग सिंग उसे गिरने से बचा लेती है, और ये देखकर तो भाई सेक्रेटरी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे हीरो को लड़कियों से एलर्जी थी, लेकिन सिंग सिंग ही अभी तक वो पहली लड़की थी जिसके छूने से रैंग को कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा अकड़ू और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था, और इसलिए वो बिना सॉरी बोले वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन उसके कोट के बटन में सिंग सिंग के स्वेटर का धागा फंस गया था, जिससे कि वो धीरे धीरे निकलने लग जाता है। सिंग सिंग भागते हुए उसके पीछे जाती है, उसे रोकती है और उसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है, जहाँ पर रैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है उसे बिना सॉरी बोले। हमारी हीरोइन तो भाई सिर्फ सॉरी सुनना चाहती थी, और इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रैंग जाकर अपने ग्रैंडफादर से मिलता है, जो कि उसे गु ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहते थे, क्योंकि रैंग उनका पोता इकलौता वारिस जो था। लेकिन हमारे हीरो को तो काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और इसलिए वो वहाँ पर सबके सामने अपनी करंट पोजीशन यानी कि अपने सीईओ के पद से भी रिजाइन देकर जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम हमारी सिंग सिंग को देखते हैं, जो कि अपने फटे हुए स्वेटर के साथ ही अपने क्रश को मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन उससे पहले वो उसकी नॉवेल को हासिल कर लेती है, जिसमें वो डे ड्रीमिंग कर रही होती है कि उसका क्रश खुद उसके पास उसे ऑटोग्राफ देने के लिए आया हुआ है, और उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो बस किस करने ही जा रहे हैं। लेकिन तभी बीच में हमारा हीरो आ जाता है, एक बार फिर से उसकी टक्कर जिंग जिंग के साथ में हो जाती है, जिससे कि उसकी नॉवल नीचे गिर जाती है। रैंक को भी वहाँ पर कंपनी के लोग जाने से रोक रहे थे, वो उसे पकड़ रहे होते हैं, जिसके चक्कर में बेचारी हमारी हीरोइन की नॉवल उनके पैरों से यहाँ वहाँ घूम रही होती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसकी नॉवल तो पूरी खराब हो गई थी, और इसलिए वो उन सबको बहुत ही अच्छे से फाइट करते हुए धुलाई कर रही होती है। और ये देखकर तो हमारा हीरो कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है कि लड़की होने के बावजूद भी ये कितनी ज्यादा अच्छी फाइट कर रही है। वो उन सबको बहुत ज्यादा अच्छे से मजा चगाती है, जिसके बाद वो फिर से हमारे हीरो को डांटने लग जाती है, क्योंकि हमारे हीरोइन के पूरे इवेंट का तो पूरी तरह से कबाड़ा ही हो गया था, और ये सब कुछ रैंक की वजह से ही हुआ था। जहाँ पर तभी जीव उसे रोकने के लिए आते हैं, जैसे ही वो उसके पर हाथ रखते हैं, हमारी हीरोइन बिना उन्हें देखे उन पर अटैक कर रही होती है, और उनकी नाक से खून आने लग जाता है, जिसे देखकर सिंग सिंग बेहोश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारी हीरोइन यानी सिंग सिंग को ब्लड फोबिया था। सिंग सिंग ने रैंग की जान बचाई थी, और इसलिए रैंग उसे फिर हॉस्पिटल ले जाता है। जब रैंग ब्लैंकेट को सही कर रहा होता है, तो सिंग सिंग की आंख खुल जाती है, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद रैंग उसे छेड़ रहा है, और इसलिए वो उसे जोर का पंच मारती है। लेकिन तभी उसके बीच में सेक्रेटरी आ जाता है, और वो पंच बेचारे सेक्रेटरी को लग जाता है, और उसकी आंख तो बेचारे की फूट ही जाती है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद रैंग अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है कि दादाजी अब मुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, और मुझे पकड़ने के लिए वो अपने आदमियों को जरूर भेजेंगे। जहाँ पर वे सेक्रेटरी कहता है कि उसके लिए तो हमें एक बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी, साथ ही वो सिंग सिंग को उसका बॉडीगार्ड बनाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल्स तो आज वो लोग देख ही चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की है। सेकंड थिंग इज कि सिंग सिंग ही एक ऐसी लड़की है जिसके फिजिकल कॉन्टेक्ट से रैंक का कोई भी एलर्जी नहीं होती है। जहाँ पर रैंक भी उसकी बात मान लेता है, और उसे सिंग सिंग का पता लगाने के लिए बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ हम सिंग सिंग के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि मार्शल आर्ट टीचर हैं,
लेकिन यहाँ पर इनके लाले पड़े हुए हैं क्योंकि इनसे कोई मार्शल आर्ट सीखने नहीं आता और हेल्पर भी इन्हें छोड़ छोड़ कर जा रहे होते हैं, जिसका यही मतलब हुआ कि बहुत ही जल्द अब ये लोग गरीब होने वाले हैं। जहाँ पर तभी उनसे मिलने के लिए रैंग अपने सेक्रेटरी के साथ में पहुँच जाता है। वो लोग कुछ फ्रूट्स भी लेकर जा रहे होते हैं और रैंग उनसे बोलता है कि हम बॉडी गार्ड के लिए बात करने के लिए जा रहे हैं, ना कि कोई रिश्ता मांगने के लिए। लेकिन यहाँ पर सेक्रेटरी उसे समझाते हुए कहता है हमें उन्हें बहुत ही शांति से और बहुत ही प्यार से बात करके समझाना होगा। मॉम डैड उससे पूछते हैं कि तुम सिंह सिंह को ऐसा बॉडीगार्ड क्यों हायर करना चाहते हो, वो तो एक लड़की है। लेकिन यहाँ पर फिर वो उसकी स्किल्स की तारीफ कर रहा होता है और उससे कहता है कि लड़की होने के बावजूद भी वो फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मैं उसे जॉब पर रखना चाहता हूँ और इसके मैं आपको काफी सारे पैसे भी दूंगा। मॉम डैड रैंक से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन तभी सिंह सिंह वहाँ पर पहुंच जाती है और उसका भांडा फोड़ते हुए कहती है कि मॉम डैड ही इज अ पावर्ड और इसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। और ये सुनने के बाद तो भाई उसके डैड नकली वेपन से उस पर हमला करने लग जाते हैं और वो तीनों बिना उसकी कोई बात सुने उसे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बाहर रैंक को चीफ और उसके ग्रैंडफादर की आत्मे दिख जाते हैं, जो कि शायद उसे ही ढूंढ रहे होते हैं, और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो वापस से जाकर सिंह सिंह के घर में छुप जाता है। सिंह सिंह भी पानी खत्म होने की वजह से हेड वॉश के लिए अपनी मॉम की हेल्प मांगने के लिए किचन में आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा हीरो छुपा हुआ होता है, जो कि सिंह सिंह की हेल्प करता है। और जैसे ही सिंह सिंह पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि ये तो रैंग है, लेकिन वो स्लिप होकर उसी के ऊपर गिर जाती है। जहाँ पर तभी मॉम डैड भी पहुंच जाते हैं और उनको यहाँ पर इस ऑकवर्ड हालत में देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और वो फिर से रैंग के ऊपर खाना पानी लेकर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको तो यही लग रहा होता है कि ये लड़का फिर से उनकी बेटी को छेड़ने के लिए वापस आ गया है। लेकिन यहाँ पर मॉम सिचुएशन को संभालते हुए उसे पूछती है कि बेटा आखिरकार तुम जाते क्या हो, और यहाँ पर रॉन्ग उनसे कहता है कि मैं तो आपकी बेटी को बस एज अ बॉडीगार्ड जॉब देना चाहता हूँ और इसके लिए मैं बहुत ही हाई पे करने के लिए भी रेडी हूँ। ये सुनने के बाद तो उसके मॉम और डैड आपस में बात करते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो इसी बहाने उनके घर में थोड़े पैसे तो आ जाएंगे। लेकिन मॉम और डैड की एक कंडीशन सुनने के बाद कि रात के टाइम पे सिंह सिंह रैंग के साथ में नहीं रह पाएगी, तो इसलिए रैंग उनके घर में ही शिफ्ट होने के लिए बोलता है। ये सुनने के बाद तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारी हीरोइन का खून तो तब खौलने लग जाता है जब रैंग को उसी का कमरा पसंद आ जाता है और वो वहीं पे रहने के लिए बोलता है। जहाँ पर सिंह सिंह पहले तो नहीं मान रही होती है, फिर उसके बाद जैसे ही रैंग कहता है कि मैं इसका 10% और एक्स्ट्रा दूंगा, तो ये सुनके तो मॉम सिंह सिंह को उसी के रूम से निकाल देती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते टाइम भी सिंह सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम जैसे तैसे करके उसे मना लेती है। जैसे ही पेमेंट करने का टाइम आता है तो वहाँ पर हमारे हीरो का कोई भी कार्ड नहीं चल रहा होता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं। तो अब कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो उन्हें अपनी बहुत ही एक्सपेंसिव और ब्रांडेड वॉच देकर कहता है कि बाकी के पैसे मैं आपको कल दे दूंगा। बेचारे हमारे अकड़ू और बहुत ही अमीर हीरो को यहाँ पर एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, और ये देखकर कि सिंह सिंह कैसे उस बेचारे टूथपेस्ट को पिचका पिचका के उसका दम निकाल रहे हैं, हमारा हीरो सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाएगा। रैंक का दिमाग खराब तो तब होता है जब सुबह ही सुबह एकदम स्पीकर बजने लग जाता है और उसे उठकर सिंह सिंह और उसके डैड के साथ में एक्सरसाइज करने के लिए जाना पड़ जाता है, क्योंकि ये रूल सिंह सिंह की मॉम ने बनाया था कि सुबह सुबह सबको उठकर वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन खुद तो वो आराम से फैलकर सो रही होती हैं। जहाँ पर दोस्तों हमें एक और बात पता चलती है कि सिंह सिंह को उसकी फाइटिंग स्किल्स उसकी मॉम ने सिखाई है, क्योंकि उसके डैड तो बस शो ऑफ ही करते रहते हैं हर टाइम। वहीं दूसरी तरफ रैंग अपने सेक्रेटरी को बहुत डांटते हुए बोल रहा होता है कि उसने अभी तक उसका सामान क्यों नहीं लेकर आया। जहाँ पर सेक्रेटरी भी उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि चीफ की नजरें उसके ऊपर ही हैं, तो इसलिए वो तो उनसे मिलने के लिए नहीं आ सकता है, लेकिन वो उसका सामान पार्सल करवा देता है। और वहीं चीफ की नजरें तो पूरी तरह से सेक्रेटरी पे थी, वो उसे पकड़ लेता है। वो लोग उसे बहुत धोरे होते हैं और उसे पूछते हैं कि रैंग कहाँ पर है, लेकिन सेक्रेटरी भी बहुत ज्यादा जानता है और वो अपना मुँह बिल्कुल नहीं खोलता है। लेकिन तभी रैंक की कॉल आ जाती है, चीफ उसे फोन लेने वाला होता है, जहाँ पर तभी मिस पाई उसे आकर बचा लेती है, जो कि रैंक के साथ ही उसकी कंपनी में काम करती है और वो उसकी काफी अच्छी दोस्त भी हैं। वैसे तो वो फोन पे उसे बहुत ज्यादा डांट रही होती है कि तुम कंपनी छोड़कर क्यों गए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उसके बाद वो उसे मैसेज कर अपना फोन को बंद करने के लिए बोलती है, ताकि उन्हें कोई भी ट्रैक ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन सिंह सिंह अपने मॉम डैड को फिर से रैंक के खिलाफ भड़का रही होती है, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है ये वो। जहाँ पर तभी रैंक का पार्सल आ जाता है, वो अपने साथ में सिंह सिंह को बाहर चलने के लिए बोल रहा होता है, जहाँ पर वो नहीं जा रही होती है, लेकिन उसकी मॉम फिर उसे समझाती है तो वो मान जाती है।
और अपना फेस छुपाने के लिए रैन मॉम से कुछ मांगता है तो मॉम तो उसे सीधा हेलमेट ही पकड़ा देती है। और वही बस स्टॉप पर सब लोग रैन को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो बस में बैठकर जा रहे होते हैं तो रैन को लड़कियों के टच से एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। जहाँ पर हमारी हीरोइन आकर हमारे हीरो को वैसे ही प्रोटेक्ट करती है जैसे कि नॉर्मली हीरो हीरोइन को करते हैं, बट यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही था और हमारी हीरोइन हमारे हीरो की बॉडीगार्ड बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर तो हमारी हीरोइन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो तो यही सोच रही होती है कि रैंक उसे कहाँ लेकर जा रहा है, कहीं वो उसे ले जाकर कहीं बेच तो नहीं देगा या फिर उसके साथ में कुछ चोट पटांग तो नहीं हो जाएगा। यही सोच कर वो बेचारी बहुत ज्यादा डर रही होती है। रैंक फिर उसे अपना कार्ड देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर पैसे निकाल कर लेकर आओ। जैसे ही जिंग जिंग उसका कार्ड का बैलेंस देखती है वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे थे। फिर से वो बहुत ही उटपटांग सोचने लग जाती है कि ये पक्का कोई गैंगस्टर होगा या फिर ये कोई ड्रग डीलर होगा जो कि इसके पास इतने सारे पैसे हैं और इसके पीछे इतने सारे लोग भी तो पड़े हुए हैं जिनसे ये बचते हुए छुप रहा है। और वो फटाक से रैंक के पास आती है, उसे जोर से मारती है, उसके सर से खून निकलता हुआ देखकर बेचारी हमारी हीरोइन सिंग सिंग खुद ही बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे ब्लड फोबिया जो था। रैंक उसे उठाकर अपनी गोद में लेकर आ रहा होता है, जहाँ पर तभी मिस पाई भी उन्हें देख लेती है क्योंकि वो रैंक को नया फोन देने के लिए आई हुई थी। और ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पर उसे ये पता चलता है सिंग सिंग ही इकलौती ऐसी लड़की है जिससे कि रैंक फिजिकली टच कर सकता है। मिस पाई के पूछने पर रैंग उन्हें बताता है कि जब तक दादाजी के सर से उसे चेयरमैन बनाने का फितूर नहीं उतर जाता और उन्हें कोई और सक्सेसर नहीं मिल जाता तब तक वो ऐसे छिप कर सिंग सिंग के घर पर ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सिंग सिंग एक बार फिर से रैंग के खिलाफ मॉम डैड को भड़काने लग जाती है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। फिर सच का पता लगाने के लिए वो तीनों जाकर बाहर खड़े हुए रैंग और मिस पाई की बातें सुन लेते हैं और यहाँ पर उन्हें ये पता चल जाता है रैंक ही क्यों रैंक है जो कि गु ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इकलौता वारिस है। और ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और रैंक भी उन्हें देख लेता है, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। सच को कंफर्म करने के लिए सिंह सिंह और टैड सोशल मीडिया पे उसे चेक करते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि रैंक की शक्ल बिल्कुल ही गु रैंक से मिलती है और वो अपने दादाजी के साथ में खड़ा हुआ होता है। ये सब कुछ आने के बाद मॉम और डैड तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी बहुत ही ज्यादा खिदमत करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेचारी हमारी हीरोइन के लिए वाट लग चुकी थी क्योंकि वो जानती थी कि रैंक के सारे हर छोटे बड़े काम उसे ही करने पड़ेंगे। यहाँ पर होता भी कुछ ऐसे ही है। सारी पेमेंट करने के बाद जिंग जिंग अब रैंक की ऑफिशियली बॉडीगार्ड बन चुकी थी। रैंक उसके रूम को पूरी तरह से हथिया लेता है और सारा का सारा पिंक कलर का सामान बाहर निकलवा के फेंकने लग जाता है क्योंकि उसे पिंक कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मॉम डैडी भी उसमें पूरी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। रैंक को वहाँ पर लैपटॉप की जरूरत होती है और मॉम जिंग जिंग का लैपटॉप छीनकर उसे पकड़ा देती है। ये सब कुछ देखकर तो दोस्तों ऐसा ही लग रहा था कि ये जिंग जिंग के नहीं बल्कि रैंक के मॉम और डैड हैं। फिर यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए जिंग जिंग रैंक के नीचे से चेयर को खींच लेती है ये बोलकर कि ये भी तो पिंक कलर की है ना। जहाँ पर गलती से रैंक के हाथों सिंग सिंग की फेवरेट डॉल टूट जाती है। सिंग सिंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, वो उसे बैठ कर वहाँ पे सोच रही होती है कि जब से ये लड़का मेरी लाइफ में आया है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जहाँ पर तभी रैंक उसे आकर कहता है कि मैं इसके लिए भी पे कर दूंगा। लेकिन हमारी हीरोइन सिंग सिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि हमारे अकड़ू हीरो ने अभी तक उसे सॉरी भी नहीं बोला था। वो ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है कि तुम कभी भी इमोशंस को खरीद नहीं सकते। जिसके बाद फिर रैंग उसे पानी लाने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि ये एकदम 50 डिग्री पर ही होना चाहिए, ना उसे कम ना उसे ज्यादा। लेकिन सिंग सिंग पानी कभी ठंडा ले आती थी तो कभी बहुत ही ज्यादा गर्म। फिर एंड में से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बोलते है कि तुम अपने ग्रैंडपा के पास जाओ और अगर कंपनी संभालने नहीं आती तो मुझे ही दे दो ना। रैंक उसे बोलता है कि ठीक है जाओ जाके संभाल लो। लेकिन बेचारी हमारी हीरोइन फिर से वापस से पानी गर्म करने के लिए चली जाती है। रैंक जब सिंग सिंग का लैपटॉप ओपन करता है तो वो उसके वॉलपेपर पे सेम वही डॉल देखता है जो कि गलती से उसके हाथों से टूट गई थी। तो यहाँ पर रैंक समझ में आ जाता है कि वो सिंग सिंग की बहुत ही ज्यादा फेवरेट डॉल थी और वो काफी ज्यादा उसके साथ में अटैच भी थी, तो फिर इसलिए वो उसके लिए एक सॉरी का नोट लिखकर वहाँ पे रख देता है। जहाँ पर तभी वॉशरूम यूज करने के बाद सिंह अपने रूम में आकर सो जाती है। लेकिन अब तो ये रूम रैंक का हो चुका था और इसलिए वो उसे वहाँ से उठाकर जाने के लिए बोलता है। लेकिन हमारी सिंह तो उसी के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है, हे बैड बॉय तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। और जब उसे होश आता है कि ये तो वो रैंक के रूम में आ गई है तो वो सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन रैंक उसे बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मुझे बैड बॉय बोला तो मैं तुम्हारी सैलरी में से कट कर लूंगा पैसे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सिंह ब्रेकफास्ट के टाइम पे
बहुत ज्यादा रैंक को परेशान कर रही होती है, जहाँ पर फिर एंट्री होती है जिंगजिंग के क्रश और सीनियर हैंग की। जिंगजिंग तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो रैंक तो उसे फुल्ली इग्नोर मार रहा होता है, जहाँ पर जिंगजिंग आकर उसे डांटते हुए कहती है कि घर पर मेहमान आए हुए हैं तो फिर तुम्हें सब कुछ साफ रखना चाहिए। लेकिन रैंक को तो हैंग के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो फिर भी उसे इग्नोर मारने लग जाता है। फिर हैंग के पूछने पर जिंगजिंग उसे बताती है कि रैंग उनके घर पर एज अ पेड गेस्ट रह रहा है, बोले तो किराएदार। लेकिन रैंग का इतना ज्यादा रूड रवैया देखकर हैंग उसे बोलता है कि तुम कोई पेड गेस्ट तो नहीं लग रहे हो, कहीं तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने तो नहीं आए हो। रैंग उसे बोलता है कि नहीं, और वो बस सच बताने वाला होता है कि तभी जिंगजिंग उसे रोक देती है और बात को पूरी तरह से घुमा देती है। जहाँ फिर हमें हैंग से ये भी पता चलता है जिंगजिंग के मॉम और डैड से ही उसने मार्शल आर्ट सीखा है। हैंग फिर जिंगजिंग को अपनी फेवरेट नॉवल देकर, जिसमें कि उसने साइन भी किए हुए थे, वहां से जा रहा होता है क्योंकि थोड़ी देर में ही उसकी फ्लाइट थी। हैंग के जाते ही फिर रैंग जिंगजिंग को बोलता है कि वो तुम्हें वैसे पसंद नहीं करता जैसे कि तुम करती हो। जिंगजिंग उसे बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं तो वही कहना चाहता हूँ जो कि तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो। जिंगजिंग को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो फिर बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो जाकर सीधा अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा से मिलती है और उसे अपना सारा दुखड़ा बहुत ही रो रो के सुना रही होती है कि उसने उसकी फेवरेट डॉल भी तोड़ दी। सारा उसे बहुत ही कंसोल करते हुए शांत करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नई डॉल ले आऊंगी, तुम शांत हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो जिंगजिंग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है। वो बार बार स्पीकर पे बोल बोल कर अपने हर छोटे छोटे काम जिंगजिंग को करने के लिए बुला रहा होता है, जैसे कि कॉइल चलाना, दवाई लेकर आना और अपने रूम की सारी साफ सफाई वो उसे करवा रहा होता है। और जैसे ही जिंगजिंग काम करने के लिए मना कर रही होती है तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए और मॉम की धमकी देते हुए फिर उसे काम करने के लिए बोलता है, और बेचारी हमारी हीरोइन को उसकी सारी बातें माननी पड़ जाती हैं। नेक्स्ट डे जिंगजिंग फिर से पहुंच जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा के पास और फिर से अपना उसको सारा दुखड़ा सुनाने लग जाती है। साथ ही वो उसे ये भी बता देती है कि रैंग उसके अलावा किसी और लड़की को टच नहीं कर सकता, और कहती है कि मुझे तो ये सब कुछ झूठ लगता है। तो अब जब हमारी हीरोइन इतनी नौटंकीबाज और ड्रामेबाज है, फिर तो उसकी फ्रेंड भी वैसे ही होगी ना, और यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। सारा उसको बोलती है कि मैंने बहुत सारे ड्रामास में देखा है कि जब हीरो को कोई हीरोइन पसंद आ जाती है तो वे वैसे ही झूठ बोलता है, वो उसे बहुत सारी शॉपिंग करवाता है और उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है और पता नहीं उनके लिए क्या क्या करता है। तो मुझे लगता है कि शायद रैंक तुम्हें पसंद करता है और इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन हमारी हीरोइन को तो समझ नहीं आ रहा होता है, वो सोच रही होती है कि क्या रूट और नकचड़ा रैंक सच में किसी को प्यार कर सकता है क्या। सीन शिफ्ट होता है, रैंक को दिखाया जाता है जिसके पास एक स्कल्पचर एग्जीबिशन का इनविटेशन आया हुआ होता है, जिसमें कि वो जिंगजिंग को अपने साथ में लेकर जा रहा होता है और गाड़ी में वो उसे कहता है कि हमें शॉपिंग पे जाना है। जिंगजिंग को यहाँ पर सारा की बातें याद आती है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है कि कहीं ये सब कुछ सच तो नहीं होने वाला। लेकिन फिर रैंग यहाँ पर उसके अरमानों पे पानी फेरते हुए बोलता है कि मुझे शॉपिंग अपने लिए करनी है और थोड़े से नॉर्मल यानी कि चीप कपड़े लेने हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा हाई फाई और कॉस्टली कपड़े पहनता हूँ, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम लगता हूँ और हर कोई बस मुझे घूरता रहता है। जिंगजिंग उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा आड़े टेढ़े मुंह बनाने लग जाती है। फिर वो रैंग को एक चीप सी मार्केट में लेकर जाती है और वहाँ पर जैसे ही वो चीप कपड़े पहनते इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है कि शॉपकीपर तो उसी पर लड्डू हो जाती है। साथ ही वो जिंगजिंग को कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन फिर जिंगजिंग उन्हें करेक्ट करते हुए बोलते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा बॉस है। रैंग उसे बोलता है कि तुम्हें तो यही सोचकर खुश हो जाना चाहिए कि लोग मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझ रहे हैं, मैं इतना स्मार्ट और इतना हैंडसम जो हूँ। फिर उसके बाद रैंग लेकर जाता है जिंगजिंग को एक बहुत ही बड़े से मॉल में ताकि वो शॉपिंग कर सके, लेकिन वहाँ पर हमारी हीरोइन मना कर रही होती है क्योंकि वो इतना सारा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन रैंग उसे जबरदस्ती कहता है कि तुम्हें ये कपड़े लेने होंगे क्योंकि आज शाम की पार्टी में तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनके जो जाना है। जिंगजिंग बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहनकर ट्राई कर रही होती है, जिसमें गाइस लिटरली वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और रैंग भी उसे देखता ही रह गया था। लेकिन हमारी हीरोइन को तो हील्स में चलना ही नहीं आता था और वो चल भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे करके रैंग का सहारा लेकर जिंगजिंग शाम को होने वाले एग्जीबिशन में तो पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि रैंग बहुत ही टाइम से एक स्कल्पचर को घूरे जा रहा था, जहां जाकर उसे आर्ट के बारे में थोड़ा ज्ञान देने लग जाती है क्योंकि हमारी हीरोइन को स्टैचू और स्कल्पचर की काफी ज्यादा नॉलेज थी। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो तब हो जाती है जब हमारी हीरोइन के हाथों पर 40 लाख का स्कल्पचर टूट जाता है और बेचारी वहाँ पर सबके सामने बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है।
लोगों की घूरती निगाहों से हमारी हीरोइन को बचाने के लिए फिर रैंक 40 लैक्स का चेक देके स्कल्प्टर का भरपाया करके हमारी हीरोइन को वहाँ से ले जाता है। जिगजिग भी रैंक को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हारा पैसा जल्द से जल्द चुका दूंगी। हीरो भी बोलता है कि हाँ, अगर तुम 5 साल तक मेरे साथ काम करो और मेरा बॉडीगार्ड बन के घूमो तो हो सकता है कि तुम्हारे सारे पैसे चुते हो जाएं। ये सुनने के बाद तो हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाती है, जिसके बदले रैंक उसके इस कांड को सीक्रेट रखने के लिए बोलता है उसकी मॉम से, क्योंकि हमारी हीरोइन जानती ही थी कि अगर उसकी मॉम को पता चला तो उसके साथ में क्या होगा। साथ ही रैंक फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है ताकि वो बाद में मुकड़ ना जाए। घर जाकर उसे वीडियो को देख देख कर रैंक बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो उस वीडियो को सिंगजिंग को भी भेज देता है। और उस टाइम पर सिंगजिंग अपनी मॉम से बैठकर बात कर रही होती है। वीडियो देखते ही वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि अगर वो अपनी फ्रेंड को उनके पालन में लेकर जाएगी तो क्या वो उससे कुछ पैसे कमा सकती है। जहाँ पर उसकी मॉम भी बोल रही होती है कि जितना ज्यादा एक्सपेंसिव तुम्हारी फ्रेंड हमारे पार्लर से अपना ट्रीटमेंट करवाएगी उतना ज्यादा पैसा तुम्हें मिल सकता है। जिंगजिंग ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि हर हाल में उसे रैंक के पैसे जो चुकाने थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम पार्लर में उनकी फ्रेंड्स के सामने बैठी हुई होती है, जहाँ पर उनकी सारी फ्रेंड्स अपने अपने बच्चों के बॉयफ्रेंड का शो ऑफ कर रही होती है। जहाँ पर तभी हमारी हीरोइन पहुंच जाती है रैंक के साथ में। रैंक को सिंगजिंग का बॉयफ्रेंड बताते हुए इन सबको बता रही होती है कि बहुत ही ज्यादा अमीर है और साथ ही काफी स्मार्ट और हैंडसम भी है। सब लोग तो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। सिंगजिंग रैंक को यहाँ पर ये बोलकर लेकर आई हुई होती है कि उसका फेस बहुत ज्यादा डस्टी हो गया है और इसलिए उसे पार्लर चले जाना चाहिए। जहाँ पर रैंक का सारा ट्रीटमेंट हमारी जिंगजिंग कर रही होती है क्योंकि वो तो किसी और से टच करवा नहीं सकता था, क्योंकि उसकी तो यही प्रॉब्लम थी कि कोई भी लड़की अगर उसे छुएगी तो फिर उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। जिंगजिंग अपना बहुत दिमाग लगाती है और वो सारे प्राइस पैम्पलेट को छुपा देती है, जिसके बाद वो फेशियल प्राइसेस बड़ा बढ़ा कर रैंक को बता रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानती थी कि रैंक तो बहुत ही ज्यादा रिच बॉय है और ही कैन अफोर्ड इट। जहाँ पर होता भी कुछ ऐसी है और इसे जिगजिग को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं और उसकी मॉम भी अपने फ्रेंड्स के सामने उसके जिगजिग के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड यानी कि रैंक का बहुत ही ज्यादा गुणगान करने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारा हीरो भी बहुत ज्यादा स्मार्ट था। जिगजिग उसे उल्लू बना रही है ये बात उसे पता लग जाती है और फिर वो उसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाता है। जहाँ पर वो उसे कहती है कि मैंने सारा फेशियल और सारा ट्रीटमेंट तुम्हें खुद से दिया है तो फिर ये मेरी फीस बनती है, और वो उसका पैसा उसी को लौटा कर उसे कहती है कि ये लो, मेरा जो थोड़ा सा उधार तुम पे था वो तो जुत्ता हो गया, बाकी का मैं धीरे धीरे करके लौटा ही दूंगी। लेकिन हमारा स्मार्ट हीरो भी गिन गिन कर उसे बदले ले रहा होता है। वो उसे अपने सारे गंदे कपड़े धुलवाता है, उससे अपने सारे प्राइवेट काम करवा रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसके हाथों से भी खाना खा रहा होता है। घर आते टाइम सिंगजिंग को उसका सीनियर हैन मिलता है जो कि उससे ही मिलने के लिए आया हुआ था, और वहाँ वो रैंक से पूछती है कि मैं यहाँ पर अच्छी तो लग रही हूँ ना। रैंक भी फिर उसे ताने मारते हुए कहता है कि वो बस तुमसे मिलने आया है, ना कि तुमसे शादी करने के लिए। सिंगजिंग भागते हुए हैन के पास जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। हैन के पूछने पर फिर वो उसे बताती है कि रैंक उसका बॉस है और वो उसकी सेक्रेटरी है। हैन फिर हमारे हीरोइन को ट्रॉली बैग पे बैठा कर राइड करवाने वाला होता है, लेकिन तभी रैंक आकर उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए जाकर कॉफी लेकर आओ। जिंगजिंग का बेचारी के जाने का मन तो नहीं होता, लेकिन बॉस की तो बात उसे माननी पड़ेगी और इसलिए इस बेचारी को जाना पड़ जाता है। रैंक की ये हरकत हैन को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है और वो उसके सामने से ही निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैड छोटे छोटे बच्चे को मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे उन्हीं से डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। डैड फिर देखते हैं हैन को और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनका पुराना स्टूडेंट जो था। फोटोज को देखकर रैंक भी समझ जाता है कि हैन बहुत टाइम से जिंगजिंग की फैमिली के साथ में कनेक्टेड है और इसलिए शायद वो सर उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और साथ ही वो मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा अच्छा भी है। नेक्स्ट सीन में हैन के साथ में मिलकर मॉम डैड मोमोज बना रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं सब के सब। जहाँ पर आकर रैंक भी बैठ जाता है। हमारी हीरोइन के साथ में हैन को देखकर रैंक को बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार से बात जो कर रही थी। रैंक भी फिर मोमो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तो बन ही नहीं रहा था और इसलिए फिर वो बेचारा साइड में ही बैठ जाता है। सिंगजिंग को हैन के बहुत ज्यादा करीब देखकर रैंक को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है और इसलिए वो उनके बीच में कबाब में हड्डी बनते हुए जिंगजिंग को कहता है कि मुझे खाना सर्व करो, क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट हो और ये तुम्हारा फर्ज है। जिंगजिंग को जॉब की जरूरत है ये देखकर हैन उसे एज अ लिटरेचर राइटर अपने साथ में ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर रैंक उसे मना करते हुए कहता है कि ये तो मेरी असिस्टेंट है और बिना मुझसे पूछे कोई और जॉब नहीं कर सकती। बेचारी हमारी हीरोइन का तो मुंह ही उतर जाता है। हैन उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिंगजिंग को लिटरेचर बहुत ज्यादा पसंद है।
लेकिन फिर रैंग ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि तुम तो इसके सीनियर हो ना, तो शायद तुम्हें पता होना चाहिए कि जिंगजिंग को लिटरेचर पसंद है या फिर इसका राइटर। हैन को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती और फिर वो इसके बारे में जिंगजिंग से पूछ रहा होता है। हमारी हीरोइन भी फिर उसे कहती है कि रैंग की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, उसका नेचर ऐसा ही है, वो थोड़ा रूड बिहेव करता है। लेकिन वही हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि हमारा हीरो तो जिंगजिंग और हैंग को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है ऊपर खड़ा खड़ा। साथ ही वो अपने मन मन में ये भी बोल रहा होता है क्या ये अंधी है जो उसे दिखाई नहीं पड़ता कि हैन इसे पसंद नहीं करता, और वो बहाने बना बना कर जिंगजिंग को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमारी हीरोइन भी बहुत ज्यादा चंड थी, वो तो वहाँ पर ऐसे बिहेव कर रही होती है कि जैसे उसे रैंग की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हैंग को भी वो बोलती है कि तुम भी उसे अवॉइड करो, उसकी बातें मत सुनो। फिर कोक का ढक्कन खोलते टाइम हमारी हीरोइन ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कि उसे तो कोक का ढक्कन खोल ही नहीं रहा, और वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि हैन उसकी हेल्प करे और फिर वो उसके साथ में थोड़ा सा क्लोज आ जाए। जिंगजिंग का सारा प्लान तो चौपट तब हो जाता है जब रैंग उनके बीच में आ जाता है और बोलता है कि जब इसका कैप तुम ऑलरेडी खोल चुकी हो तो फिर इतनी ड्रामेबाजी क्यों कर रही हो, और ये बात सुन के तो हैंग भी हंसने लग जाता है। बेचारी हमारी हीरोइन अपने क्रश के सामने ही एम्बैरेस हो जाती है, और वो भी रैंग की वजह से। जिंगजिंग को डांटते हुए वो बोलता है कि जब मैं तुम्हें बुला रहा था तो फिर तुमने सुना क्यों नहीं। वो भी उसे बोलती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर बिजी हूँ। रैंग भी ये बोलकर वहीं पर बैठा रहता है कि ठीक है जब तक तुम फ्री नहीं हो जाती मैं यहीं पर हूँ। हैन उन दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देख रहा होता है, उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, और वो बोलता है कि वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गया है तो मैं अब जाता हूँ, बाकी का काम हम लोग कर लेंगे कल, वैसे भी मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैं अभी फ्री ही हूँ। हैन के जाने के बाद तो भाई हमारा हीरो क्या क्लास लेता है जिंगजिंग की। वो उसे बोलता है कि जब तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारा नेचर ऐसा है ही नहीं तो फिर तुम हैन के सामने इतना स्वीट बनने की कोशिश क्यों करती हो। जिंगजिंग भी बोलती है कि ऑब्वियसली वो मेरा क्रश है और उसके सामने मैं अपनी इमेज टॉम बॉय की तरह थोड़ी ना रख सकती हूँ। रैंग भी फिर यहाँ पर अपने ज्ञान का पिटारा खोलते हुए कहता है और उसे प्यार के बारे में समझाने लग जाता है कि अगर जैसे तुम हो तुम्हारा नेचर है अगर उसे पसंद नहीं करता तो वो तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। जिंगजिंग भी वहाँ से गुस्सा होकर फिर ये कहते हुए निकल जाते हैं कि तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, मेरे मामलों में मत पड़ो। नेक्स्ट डे जिंगजिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती क्योंकि उसे हैन के साथ में डेट पर जो जाना था, लेकिन जैसे ही हैन आता है तो उसे देखकर रैंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है क्योंकि हमारा हीरो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जहाँ पर तभी जिंगजिंग आ जाती है, वैसे तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी लेकिन रैंग उसे कहता है कि तुम बिना मेकअप के बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। दोनों में यहाँ पर फिर से नोकझोंक हो जाती है, और जब जिंगजिंग हैंग के साथ में जा रही होती है तो रैंग भी उनके साथ में ये बोलकर जाने लग जाता है कि मैं अपनी असिस्टेंट के बिना बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिंगजिंग का तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन बॉस के आगे वो कट भी क्या सकती है, तो इसलिए वो भी उसे अपने साथ में ले जाती है। रास्ते में काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसकी डेट खराब जो हो गई थी। हैन के लिए बहुत ही स्पेशल कॉफी लेकर हमारी हीरोइन जा रही होती है कि तभी रैंग उसे कॉफी छीनकर खुद ही पीने लग जाता है, और यहाँ पर जिंगजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर अपने स्कूल के बाहर जाकर दोनों अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों फिर से वैसी फोटो क्लिक करने के लिए रैंग को बोलते हैं, लेकिन रैंग तो उन्हें देखकर ऑलरेडी जल रहा होता है और वो उनकी बहुत ही ज्यादा आड़ी टेढ़ी फोटो खींचने लग जाता है और अपनी सफाई में बोलता है कि मुझे फोटो क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था और इसलिए जिंगजिंग और हैन फिर अपनी सेल्फी लेने लग जाते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा हीरो दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन जाता है, बार बार उनकी फोटोज के बीच में आकर उनकी फोटोज खराब कर रहा होता है। हैन और जिंगजिंग फिर भाग जाने का प्लान करते हैं, जहाँ पर जिंगजिंग रैंग को कहती है कि अगर तुम घर जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन रैंग भी उल्टा उसे बोलने लग जाता है कि मेरा बॉडीगार्ड मेरे साथ में नहीं है तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जिंगजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है कि मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम इतने साल मेरे बिना कैसे रहे थे। फिर वो भी एक प्लान बनाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा को वहाँ पर बुला लेती है ताकि वो रैंग से चिपक जाए और उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाए हैन के साथ में, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि रैंग को लड़कियों से एलर्जी है और सिर्फ जिंगजिंग ही उसे टच कर सकती है, तो इसलिए बेचारी हमारी हीरोइन का प्लान फेल हो जाता है और उसको रैंग के साथ में रहना पड़ जाता है। साइकिल चलाते वक्त जिंगजिंग को ही सारे पेटल मारने पड़ रहे थे क्योंकि हमारे हीरो को तो साइकिल चलाने नहीं आती है, और यहाँ पर वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि एटलीस्ट साइकिल चलाना तो सीख ही लेते इतने सालों में। नेक्स्ट सीन में जब वो हैन के साथ में ड्रिंक लेने के लिए जा रही होती है तो वहाँ भी रैंग उसे रोकते हुए कहता है कि मैं अपने बॉडीगार्ड के बिना यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जहाँ पर हम देखते हैं कि तभी चीफ अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पार्क में घूम रहे होते हैं, जहाँ से अब जिंगजिंग की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है और अब तो उसे अपने बॉस को बचाना ही होगा, और इसलिए वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है।
साइकिल से लेकर वो उसे भाग रही होती है और बेचारी को खुद ही सारी साइकिल चलानी पड़ रही थी और इसलिए फिर वो उसे पैदल लेकर भागने लग जाती है। चीफ भी उनका पीछा कर रहे थे, वो तो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर अचानक से वो उनके सामने आ जाते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन एक बार फिर से अपनी मार्शल आर्ट का कमाल दिखाती है और चीफ को धो डालती है। लेकिन तभी हमारी हीरोइन की टक्कर होने वाली होती एक साइकिल से, तो वहाँ पे हमारा हीरो उसे बहुत ही स्टाइल में बचा लेता है और लिटरली गाइस ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर भी हमारी हीरोइन हीरो को डांटने लग जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि नॉर्मल कपड़े पहनकर आते तो फिर तुम पकड़े भी नहीं जाते। वहीं दूसरी तरफ मिस पाई को भी पता चल गया था कि चीफ ने रंग को पकड़ लिया है और इसलिए उसे चेक करने के लिए जिंग जिंग के घर पर आती हैं जहाँ पर वो हैंग और सारा को देखती हैं। हैंग और सारा भी बेचारे बहुत देर से पार्क में इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब रैंग और जिंग जिंग नहीं आए थे तो वो लोग भी घर पर वापस आ गए थे। वो तीनों बहुत टाइम से रैंक और सिंह सिंह का वेट कर रहे होते हैं। फाइनली जब वो लोग आ जाते हैं तो मिस पाई बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती हैं सिंह सिंह पर कि वो रैंक की बिल्कुल भी अच्छे से केयर नहीं कर रही है और आज तो बस वो पकड़े ही जाते। सारा और हैन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है मिस पाई की ये बात सुनकर, और वो बोल रहे होते हैं कि पार्क में हम भी थे, रैंक कोई छोटा बच्चा नहीं है जो वो अपना ध्यान नहीं रख सकता। मिस पाई भी उन्हें रिप्लाई करते हुए कहती है कि ऑब्वियसली रैंक सिंह सिंह की ही जिम्मेदारी है। वो उन्हें सच बताने वाली होती है कि सिंह सिंह रैंग की बॉडीगार्ड है, लेकिन तभी वहाँ पर रैंग उसे रोकते हुए बोलता है कि ये मेरी असिस्टेंट है और ऑब्वियसली ये सारी जिम्मेदारी इसी की तो बनती है। साथ ही वो सारा और हैन को फिर ये भी बोलता है कि जो बंदा उनके पीछे पड़ा हुआ है वो उनका एक्स एम्प्लॉय है जो कि उनसे शायद बदला लेने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ है। सिंह सिंह तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो रही थी ये देखकर कि रैंग ने सिंह सिंह की साइड ली थी और उसने हैन को कुछ भी सच नहीं बताया था ताकि सिंह सिंह को हैन के सामने एम्बैरेस न फील होना पड़े। नेक्स्ट सीन में मिस पाई ये बोलकर रैंग को वापस आने के लिए कहती है कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो चाहते हैं कि आप आकर कंपनी को संभाल लें। रैंग भी फिर उसे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है कि तुम कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल लोगी और ग्रैंडपा की फिक्र मत करो, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। साथ ही वो रैंक से पूछती है कि क्या सिंह सिंह आपके लिए स्पेशल है क्योंकि आपने पहली बार किसी के लिए झूठ बोला है। जहाँ पर रैंक भी फिर कहता है कि हाँ वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की भी है। और ये सुनने के बाद तो मिस पाई को काफी ज्यादा जेलसी और गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि दोस्तों मिस पाई हमारे हीरो यानी रैंक को काफी ज्यादा पसंद करती थी। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ हैंग जाता है सिंह सिंह का मूड ठीक करने के लिए क्योंकि वो काफी ज्यादा अपसेट जो हो गई थी। हैंग उसे अपने बुक के साइनिंग इवेंट पर चलने के लिए पूछता है तो यहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी हाँ बोल देती है। रैंग भी जस्ट उसके रूम के सामने से क्रॉस कर रहा होता है और वो भी सिंह सिंह और हैंग की सारी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में सिंह सिंह रैंग के रूम में बहुत सारा खाना लेकर जाती है, फ्रूट्स लेकर जाती है, वो उसे पटाने की कोशिश कर रही थी ताकि रैंग उसे कल हैंग के साथ में नॉवेल इवेंट पे जाने दे। लेकिन हमारा हीरो तो यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, वो सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। फाइनली फिर हमारी हीरोइन के रैंक को इतने ज्यादा मक्खन लगाने के बाद वो उसे हैन के साथ में जाने की परमिशन तो देता है, लेकिन उसकी छोटी सी कंडीशन ये होती है कि वो भी उनके साथ में जाएगा वरना वो यहाँ पर अकेला बोर हो जाएगा। तो अब बेचारी सिंह सिंह के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था तो इसलिए वो भी मान जाती है। नेक्स्ट डे सिंह सिंह एक बड़ा सा बैग अपने साथ में लेकर जा रही होती है जहाँ हमारा हीरो भी फिर उसे ताना मारते हुए कहता है कि जितनी बड़ी तो तुम खुद नहीं हो, उतना बड़ा तो तुम अपना बैग लेकर जा रही हो। जिंग जिंग भी इस पे टॉन कसते हुए बोलने लग जाती है कि 6 फुट का बंदा अपने साथ में लेकर जा रही हूँ तो इससे भारी और क्या ही हो सकता है। गाड़ी में जब वो लोग जा रहे होते हैं तो जिंग जिंग का सर बार बार यहाँ वहाँ डोल रहा होता है जहाँ पर रैंग उसे इस तरह से संभाल रहा होता है जैसे कि उसे दोस्त की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। होटल रूम में पहुंचने के बाद रैंग को हैन के साथ में रूम शेयर करना पड़ जाता है क्योंकि वहां पर कोई और रूम अवेलेबल ही नहीं था और रैंग ने उन्हें पहले ये भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो भी उनके साथ में आ रहा है। और हैन के कहने पर बेचारे हमारे हीरो को काउच पे ही सोने को पड़ता है। जिंगजिंग हैन से मिलने के लिए उसके रूम पर आती है और उसका कोट वहाँ से ये बोलकर ले जाती है कि वो उसे अच्छे से प्रेस कर ले आएगी क्योंकि आज रात हैन को आज शाम के इवेंट पे वो कोट जो पहनना था। सिंह सिंह बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि आखिरकार उसको अपने क्रश का कोट प्रेस करने को जो मिल गया था। लेकिन तभी वहाँ पर रैंक पहुँच जाता है और वो उसे कहता है कि वो हैन के साथ में रूम शेयर नहीं कर सकता है तो वो उसके साथ में किसी और होटल में चल के रह ले। लेकिन हमारी हीरोइन तो यहाँ से अपने क्रश को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और इसलिए वो उसे कहती है कि प्लीज तुम यहाँ पर ही एडजस्ट करने की कोशिश कर लो ना।
जहाँ पर रैंग भी फिर उसे कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हारे रूम पर ही आकर रह लेता हूँ। जिगजिग उससे कहती है कि तुम्हें मैनर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है ना, तुम्हें तो शर्म आने चाहिए, मैं एक लड़की हूँ और तुम मेरे रूम में कैसे रह सकते हो। वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं तभी उन्हें जलने की स्मेल आती है, जो कि कहीं और से नहीं बल्कि हैन की कोट में से आ रही होती है, जो कि बेचारी हमारी हीरोइन के हाथों जल गया था। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है ये सोच कर कि ये बात वो हैन को कैसे बताएंगी और इसका सामना वो कैसे कर पाएगी। हैन का कोट बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड था, जो कि किसी भी ऐसी वैसी शॉप में नहीं मिल सकता था, और इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। जब वो लोग लंच कर रहे होते हैं तो हमारे हीरोइन का मुंह बहुत ज्यादा ही लटका हुआ था, तो हैन उसे पूछता है कि तुम इतना सैड क्यों हो जाओ। वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा टायर्ड हो गई हूँ। जहाँ पर फिर तभी हैन की एक फैन गर्ल आती है, जो कि उसके साथ में फोटो खिंचाने लग जाती है। वो भी उसके साथ में काफी पोलाइट बिहेव कर रहा था। ये सब कुछ देखकर हमारी हीरोइन और भी ज्यादा सैड हो जाती है और उसे थोड़ी थोड़ी जेलसी भी होने लग जाती है, और ये बात सामने बैठा रैंग भी नोटिस कर लेता है। वो फटाक से अपने सेक्रेटरी से बात करके ब्रांडेड क्लोथ शॉप का एक एड्रेस निकालता है और फिर वो उसे जिंग जिंग को सेंड कर देता है। जिंग जिंग तो बहुत ज्यादा खुशी के मारे उछलने लग जाती है, क्योंकि आज उसकी नाक जो बच गई थी उसके क्रश के सामने कटने से। रैंक को थैंक यू बोल के वो फिर सीधा शॉप पे जाती है, जहाँ पर जाके उसे ये पता चलता है कि रैंक ने तो ऑलरेडी ही कोर्ट की एडवांस पेमेंट कर दी है, जो बात उसे बहुत ज्यादा अजीब भी लग रही होती है, क्योंकि अब तो उसके ऊपर रैंक का और भी कर्जा चढ़ गया था। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे हीरो रैंग और हैन को, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं बेड पे सोने के लिए। गुस्से में वो हैन को प्ले बॉय बोल देता है, क्योंकि वो जानता था कि हमारी हीरोइन यानी कि जिंग जिंग हैन को बहुत ज्यादा पसंद करती है, और हैन तो बाकी लड़कियों से ही चिपकता रहता है। रैंग सोफे पे सोने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो तो नवाब ज्यादा है तो उसे नींद कहाँ से आने वाली है। फिर वो सीधा निकल जाता है जिंग जिंग से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ जाके उसे ये पता चलता है कि वो तो अब तक अपने रूम में पहुंची नहीं है। वो उसे कॉल करता है लेकिन उसकी कॉल भी नहीं लग रही होती है, और वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा पागल है उस बेवकूफ लड़की के प्यार में, जो कि इसे प्यार भी नहीं करता, और उसके लिए ये पूरी रात शॉप पे ही रुक गई है। रैंक फिर जैसे ही शॉप पर जाता है वो देखता है कि हमारी बेचारी हीरोइन तो वेट करते करते वहीं सोफे पे सो गई होती है। रैंक भी फिर उसको अपना कोट ओढ़ाकर वहीं पर बैठकर वेट कर रहा होता है, लेकिन उस बेचारी की भी आंख लग जाती है, और जैसे ही हमारी हीरोइन की आंख खुलती है तो वो देखती है रैंक को उसके पास में बैठा हुआ होता है। ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, और जैसे ही वो वापस से उसका कोट उसे उड़ाने के लिए जाती है तो हमारी हीरो की भी आंख खुल जाती है, जहाँ पर फिर वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लग जाते हैं। लेकिन सीन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था तो इसलिए दोनों दूर हट जाते हैं। हैन भी कोट पहन के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ही नया नया लग रहा था, और ये बात वो हमारी हीरोइन को भी बता रहा होता है। साथ ही वो उसे शाम को डिनर पे चलने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो रैंग उससे कहता है कि आज वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि वो मेरे साथ में आईलैंड जा रही है। जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जिंग जिंग के पास वो बड़ा सा बैग था जिसे वो लेकर अपने साथ में जा रही होती है, मतलब कि उसका कुछ और ही प्लान था। साथ ही वो लास्ट शिप की टाइमिंग भी चेक कर रही होती है, क्योंकि वो कुछ अच्छा प्लान जो कर रही थी। लेकिन ये बात हमारे हीरो को समझ में नहीं आ रही होती है, जहाँ पर तभी उसके सेक्रेटरी की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस लड़की की वजह से ये हो रहा है आपको उसके साथ में चिपक चिपक के रहना है। सेक्रेटरी की ये बात हमारे हीरो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, वो तो उसके सर के ऊपर से ही निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि रैंग को यही डॉक्टर वाली बात वो खुद से बताने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश पड़ने लग जाती है और वो सारा की शॉप के बाहर ही रुक जाता है। फिर सारा उसको देती है छाता कि वो आराम से जा सके। एंड गाइस यहाँ पर ये चीज सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और शायद इनके बीच में भी अब प्यार का इकरार होने ही वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे हीरो हीरोइन को देखते हैं, जहाँ पर रैंग उसे पूछता है कि तुम ये इतना बड़ा सा बैग यहाँ पर भी ले आई हो उठाकर। जहाँ पर फाइनली जिंग जिंग उसे बता देती है कि उस बैग में वो सारा सामान है जिससे कि आज वो अपना लव कन्फेशन करने वाली है। रैंग उसे ये बोलकर मना करने लग जाता है कि अभी तो टाइम ही कितना हुआ है और तुम दोनों तो ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को जानते भी नहीं हो। लेकिन बात तो कुछ और ही थी, हमारा हीरो तो यहाँ बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। लेकिन फिर भी सिंग सिंग उससे कहती है कि मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानती हूँ और हैन को मैं बहुत टाइम से लाइक भी करती हूँ, और आज मैं उसे बता के रहूंगी। वो वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी उसकी ट्रॉली बैग का एक पहिया टूट जाता है, जहाँ पर रैंग उसे फिर से मना करता है, देखो कि अब तो बहुत ही बुरा अपशगुन हो गया है। लेकिन हमारी हीरोइन हीरो की बिल्कुल नहीं सुनती, और वो जैसे ही अपना बैग ओपन करती है तो उसमें बहुत सारे डेकोरेशन का सामान होता है, जिसे देखकर तो रैंग बहुत ज्यादा शॉक भी हो गया था। और उसने कोक भी रखी हुई थी, उसे कोक पीने के लिए मांगता है, लेकिन जिंग जिंग उसे कोक नहीं देती है, क्योंकि उसमें एक क्यूट सा लव मैसेज उसने हैन के लिए लिखा हुआ था। रैंग भी ये सब कुछ जानता था और इसलिए वो जबरदस्ती उसे कोक मांग रहा होता है।
जहाँ पर जानबूझ के रैंग जिंगजिंग और हैंग की फोटो के ऊपर थोड़ा सा कोक गिरा देता है, जिससे कि उसकी फोटोज खराब होने लग जाती है। जिंगजिंग को काफी गुस्सा आता है, वो साफ करके उन्हें वापस से डेकोरेशन करके लगाने लग जाती है। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी फोटोज बहुत ही ज्यादा बेकार आई है, जो कि शायद हैंग को भी पसंद नहीं आएंगी, तो इसलिए अब तुम्हें उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए। जहाँ पे गाइस हम लोग साफ तौर पर देख पा रहे थे कि रैंग के दिल में सिंगजिंग के लिए प्यार पनप रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा जेलसी जो हो रही थी और वो धीरे धीरे बहाने ढूंढ रहा होता है ताकि वो हैंग को आज प्रपोज ना करे। जहाँ पर बातों ही बातों में सिंगजिंग को ये पता चल जाता है कि रैंग ने आज तक तो किसी लड़की को प्रपोज किया ही नहीं है और ऐसी ना ही उसने कोई उटपटांग हरकत की है। वो उसे बहुत ज्यादा छेड़ रही होती है कि तुम्हारी तो लगता है कि आज तक कभी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी है। सिंगजिंग रैंग को बहुत ज्यादा टीज कर रही होती है क्योंकि आज तक उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। फिर वो हैंग से मैसेज करके उसे पूछती है कि उसे वापस आने में कितना टाइम लग जाएगा और क्या उसका इवेंट अच्छे से कम्प्लीट हो गया है या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हम हैंग को देखते हैं जो कि उसे मैसेज का रिप्लाई करते हुए बोल रहा था कि वो बस रेडी हो रहा है। साथ ही वो अपने नॉवल पे आए हुए कमेंट्स को रिप्लाई कर रहा होता है। वो उनको क्यूट क्यूट से मैसेजेस भेज रहा होता है, जहाँ पर तभी एन नाम की एक लड़की हैन के रिप्लाई से मिलता जुलता कमेंट कर रही होती है, जो कि हैन को काफी ज्यादा पसंद आता है। एंड गाइस वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस पाए होती है। जिंगजिंग ने भी बहुत ज्यादा खूबसूरत सी प्रिपरेशन कर रखी होती है हैंग को प्रपोज करने के लिए, और जब वो कैंडल्स लगा रही होती है तो बैठे बैठे उसके पैर फ्रीज हो जाते हैं और इसलिए वो रैंग से उसे उठाने के लिए बोलती है। और जैसे रैंग उसे उठाता है तो वहाँ कैंडल्स खराब हो जाती हैं और वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी हीरोइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी सारी कैंडल्स खराब हो गई थी। जहाँ पर रैंग भी फिर उसे ताना मारते हुए कहता है, डू यू रियली थिंक लाइक दैट कि वो तुम्हारी कैंडल से इम्प्रेस हो जाएगा। जिंगजिंग फिर उसे एक पेड़ के पास में बैठा देती है क्योंकि वो उसकी सारी डेकोरेशन धीरे धीरे करके खराब कर रहा होता है, और साथ ही वो उसे कहती है कि जब तक सब कुछ कंप्लीट नहीं हो जाता है तुम यहाँ से नहीं उठोगे। बेचारा रैंग भी चुपचाप मुंह बंद करके वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब जिंगजिंग टेंट लगा रही होती है तो उससे तो अकेले से लग नहीं रहा होता है और इसलिए वो रैंग को हेल्प के लिए बुलाने लग जाती है। लेकिन वो भी बहुत शातिर था, वो भी वहाँ पे ड्रामेबाजी दिखाते हुए बोल रहा होता है कि जब तुमने मुझे पहले मना किया है तो मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ और मैं अब तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आ सकता हूँ। जिंगजिंग फिर उसे डांटते हुए कहती है कि ड्रामेबाजी करना बंद करो और चुपचाप यहाँ पर आओ, और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम मेरी सारी बातें मानते हो, और अगर घर से निकलने के लिए बोलूंगी तो क्या तुम सच में मेरे घर से निकल जाओगे। बेचारे रैंग के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता बोलने का और इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे उसे ये पता चलता है कि ये सब कुछ तो वो हैन के लिए कर रही है, फिर से वहाँ से गुस्सा और जलस होके वो वापस से चला जाता है और बेचारी हमारी हीरोइन को सारा काम अकेले ही करना पड़ जाता है। और जब वो लाइट लगा रही होती है तो गलती से उसे मधुमक्खी का छत्ते में डंडा लग जाता है। अब आगे क्या होने वाला है इस बात से हमारे हीरो और हीरोइन दोनों ही अनजान थे। जिंगजिंग दोबारा से हैन को कॉल करने की कोशिश करती लेकिन उसकी बैटरी तो फोन की फिनिश हो चुकी थी और इसलिए वो रैंग से उसका फोन मांगती है, जहाँ पर पहले तो वो बहुत ज्यादा नखरे कर रहा होता है, उसे फोन नहीं दे रहा होता है। लेकिन फिर वो उसे काफी रिक्वेस्ट करने लगती है तो हमारा हीरो हमारे हीरोइन को फोन पकड़ा देता है। लेकिन तभी रैंग की नजर पड़ती है मधुमक्खी के छतों पे, जहाँ से मधुमक्खी बस उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है। दोनों वहाँ से डर के भागने लग जाते हैं। जिंगजिंग का पैर एक लकड़ी पर पड़ता है, वो स्लिप हो जाती है, जिससे कि रैंग का फोन भी गलती से जिंगजिंग पानी में गिरा देती है। पर रैंग उसे संभाल तो लेता है लेकिन उसका खुद का पैर उससे मुड़ जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच में एक क्यूट सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दोनों वहाँ से भागते हुए जाते हैं और जाके टेंट में छुप जाते हैं मधुमक्खियों से बचने के लिए, जहाँ पर गलती से उनकी पहली किस हो जाती है। रैंग को तो यहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है कि ये उनके साथ में अचानक से क्या हो गया है। लेकिन हमारी हीरोइन को जिंगजिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट जैसे वो देखती है कि रैंग के पैर में चोट लग गई है और जिंगजिंग को बचाते हुए लगी है, तो उसे इसकी काफी फिक्र होने लग जाती है और थोड़ा सा गिल्टी भी फील हो रहा होता है। फिर वो यहाँ से जाने के लिए लास्ट शिप की टाइमिंग चेंज करते हैं, तो यहाँ पे उन्हें ये पता चलता है जिंगजिंग ने गलत टाइमिंग कैलकुलेट कर लिया था और इसलिए लास्ट शिप बस निकलने वाली होती है। वो भाग कर उसे पकड़ने लग जाते हैं लेकिन फिर उनसे लास्ट शिप ही मिस हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हैन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है, जिंगजिंग और रैंग को कॉल कर रहा होता है। लेकिन हमारी हीरोइन की फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और हमारे हीरो का फोन तो पानी में ही गिर गया था, यानी कि अब तो उन दोनों के पास वहाँ रुकने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, काफी ज्यादा अंधेरा भी हो रहा था और इसलिए रैंग वहाँ की सारी डेकोरेशन की लाइट्स जलाने लग जाता है, जहाँ पर जिंगजिंग उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो भी फिर बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इतनी सारी मेहनत खराब हो जाए और वैसे भी हम यहाँ पर बोर हो जाएंगे। फिर वो उसे बैंडेज देती है ताकि वो अपने पैर पर लगा सके और इसीलिए रैंग उसे थैंक यू बोलता है। जिंगजिंग ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसने पहली बार उसको थैंक यू बोला था।
दोनों के साथ में मस्ती करने लग जाते हैं और वो दिवाली वाली फुलझड़ियां भी वहाँ पर जलाने लग जाते हैं। लेकिन रैंग तो ये सब कुछ करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिंगजिंग उसको ऐसी हालत में देखती है और उसे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। रैंग भी फिर उसे कहता है कि हाँ, ये सब कुछ वो फर्स्ट टाइम ही कर रहा है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर को ये सब चीजें पसंद नहीं थी और वो तो बस इन सब चीजों को टाइम पास ही समझते थे और इसलिए उन्होंने उसे ऐसा कभी करने ही नहीं दिया। दोनों लोग साथ में बहुत ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जिसके बाद वो लोग टेंट में जाकर बैठ जाते हैं। जिंगजिंग थोड़ा सा सैड हो गई थी क्योंकि वो अपना लव कन्फेशन हैन के लिए नहीं कर पाई थी। जहाँ पर रैंग उसे कंसोल करते हुए कह रहा होता है, मैंने तो पहले बोला था कि तुम्हारी किस्मत आज खराब है, तो तुम्हें वैसे भी कन्फेस नहीं करना चाहिए था। वेल, तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम हैन को इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हो। जहाँ पे जिंगजिंग उसे बताते हुए कहती है, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। रैंग उसे कहता है, फिर तो मुझे भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो और मैं सबसे ज्यादा तुम पे ही ट्रस्ट करता हूँ। जिंगजिंग फिर उसे छेड़ते हुए कहती है कि सबसे ज्यादा ट्रस्ट तो तुमको मिस भाई पे है, तो फिर शायद तुम्हें मिस भाई को ही पसंद करना चाहिए। लेकिन फिर रैंग उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि मिस भाई उसकी सिर्फ अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं है। जिंगजिंग रैंग से उसके क्रश के बारे में पूछती है, लेकिन हमारे हीरो का तो कभी कोई क्रश ही नहीं था, क्योंकि उसको तो लड़कियों से ही एलर्जी है। सोने का टाइम हो जाता है, लेकिन रैंग तो आज तक कभी भी मखमली गत्तों के अलावा जमीन पर सोया ही नहीं था, तो इसलिए उसे सोने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर जिंगजिंग उसे कहती है कि नेचर की हवा ही सबसे ज्यादा अच्छी हवा होती है, तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ जाएगी। जिंगजिंग तो वहीं पे बैठी बैठी सो जाती है और यहाँ पर हमारे हीरो सोच रहा होता है कि आखिरकार उसका क्रश है कौन। जहाँ पर फिर तभी उसे जिंगजिंग की बहुत सारी यादें याद आने लग जाती है और सारे क्यूट क्यूट मोमेंट वो रिमाइंड करने लगता है और फिर उसे यही लगता है कि शायद जिंगजिंग ही उसका क्रश है। नेक्स्ट सीन में वो लोग जैसे तैसे करके वापस से होटल में पहुंच जाते हैं। हैन उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। जिंगजिंग भी उसे बता देती है कि उनके साथ में वहां पर क्या क्या हुआ था, साथ ही वो डेकोरेशन को लेकर भी काफी ज्यादा झूठ बोल देती है। तो यहाँ पर रैंग उसकी बातें सुन सुन के बहुत ही हंस रहा होता है। जिंगजिंग रैंग को लेकर जा रही होती है, जिसके पैर में अभी भी चोट लगी हुई थी। फिर जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो रैंग का सेक्रेटरी उसे मिलने के लिए वहां पर आया हुआ होता है, जहाँ पर डैड भी उसके चोट के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आए हुए होते हैं और वो उसे अप्लाई कर रहा होता है। मॉम आती है और वो उसे जिंगजिंग के बारे में पूछते हैं, क्योंकि जिंगजिंग का मूड बहुत ज्यादा ही ऑफ था। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि शायद उसकी डॉल टूट गई है और इसलिए वो काफी ज्यादा उदास है। रैंग भी सेक्रेटरी से क्ले मंगवाता है और वो भी जिंगजिंग के लिए अपने हाथों से एक डॉल बनाने की प्रैक्टिस करने लग जाता है। सेक्रेटरी भी स्कल्पचर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी शक्ल हूबहू उसी के जैसी होती है, लेकिन वो काफी अजीब लग रहा होता है और इसलिए वो रैंग से आर्ट के बारे में पूछता है और रैंग भी यहाँ पर अपना फिलोसफी का ज्ञान छाड़ने लग जाता है। लेकिन सेक्रेटरी को तो कुछ समझ में नहीं आता और वो अपना स्टैचू लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जब वो जा रहा होता है अपने स्टैचू से बातें करते हुए, तब सारा की शॉप उसे दिखाई पड़ती है और वो सारा से मिलने के लिए उसके शॉप में जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी शॉप के क्या हालचाल है। सारा भी उसे कहती है कि उसके शॉप में अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और काफी लॉस भी हो रहा है। सारा को सेक्रेटरी का ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है कि अगर यहाँ पर लवर्स आए और वो अपनी मेमोरी को यहाँ पर इस क्ले के थ्रू अपनी मेमोरीज को क्रिएट करेंगे, तो ये चीज उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी और इस शॉप की बहुत ज्यादा मार्केटिंग भी हो जाएगी। और वो उसके स्टैचू को देखकर भी हंसने लग जाती है, जहाँ पर बेचारे सेक्रेटरी का तो मुंह ही बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि उसे आर्ट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो सारा को रैंक की वो कही हुई बात बोलता है, मी एंड यू, यू एंड मी, और साथ ही वहाँ पर वो उसे ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे कि उसे आर्ट के बारे में सब कुछ पता है। सारा फिर उसे उस लाइन का मतलब पूछती है, लेकिन उसे तो उसका मतलब पता ही नहीं था, क्योंकि ये तो उसने रट लिया था जब रैंक ने उसे ये लाइन बोली थी और उसे समझ में भी नहीं आता, फिर वो वहां से भाग जाता है। सारा इस लाइन को नेट पर सर्च करती है और फिर उसे ये पता चलता है कि इसका मतलब होता है सामने वाला आपसे अपना लव को कन्फेस कर रहा है, और यही सोच कर वो बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है कि शायद सेक्रेटरी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वो उसे बोल नहीं पा रहा है डायरेक्टली, तो इसलिए उसने उसे इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश की है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सेक्रेटरी के स्टैचू को देखकर इसके ख्यालों में खो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रैंक को देखते हैं, जिसने कि एक प्यारा सा डॉल बनाने की कोशिश की थी और शायद वो बन भी चुका था, जहाँ पर वो उस पे सॉरी का लेटर लिख के चिपका देता है। जिंगजिंग भी सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती, क्योंकि उसके दिमाग में तो रैंक की बातें घूम रही होती है, जिसने उसे ये कहा था कि अगर तुम हैन को सिर्फ इसीलिए लाइक करती हो क्योंकि तुम उसे ट्रस्ट करती हो, तो ये प्यार नहीं हो सकता। जहाँ पर तभी उसे नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, वो बाहर जाके देखती है तो क्यूट सी डॉल रखी हुई थी और उसपे सॉरी का लेटर था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि उसे रैंग को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि पहली बार रैंग ने उसके लिए कुछ किया जो था।
हमारा हीरो भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा था ये जानने के लिए कि डॉल को देखकर जिंगजिंग का क्या रिएक्शन होता है, और इसलिए वो उसे पानी लाने का बहाना करके बुलाता है। और जिंगजिंग भी जब उसके लिए पानी लेकर जा रही होती है तो वो भी एक छोटा सा नोट वहाँ पर रखती है जिसमें लिखा हुआ था माई बेबी सेइंग थैंक यू टू यू। रैंग उसे कहता है कि ये मैंने बनाया है तो इसलिए ये मेरा बेबी हुआ। जिंगजिंग भी फिर उसे ये बोलते हुए लड़ने लग जाती है कि ये तुमने मेरे लिए बनाया है और इसलिए ये मेरा बेबी है। जहाँ पर फिर वो दोनों साथ में बोलते हैं तो ठीक है ये फिर हमारा बेबी हुआ, और ये वर्ड काफी एम्बैरेस होता है उन दोनों के लिए, तो इसलिए दोनों लोग मुस्कुराने लग जाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। जिंगजिंग रैंग के लिए खाना लेने के लिए जा रही होती क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन रैंग उससे बोलता है कि वो भी उसके साथ में जाएगा। तो बेचारा हमारा हीरो लंगड़ाते हुए जिंगजिंग के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा होता है और वो उसे लेकर जा रही थी। साथ ही वो ये सब कुछ सोच रही होती है कि रैंग ने उसके लिए ये सब कुछ किया है तो कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करने लग गया। जहाँ वो फिर ये भी सोचने लग जाती है कि ये तो नहीं हो सकता। रैंग भी उसे सोचता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफा चल रही है। सिंगजिंग भी उसे कहती है कि जब से हम ट्रिप से वापस आए हैं तुम्हारा बिहेवियर कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया है। पहले तो तुम्हें लोगों के पास आने से ही बहुत ज्यादा एलर्जी होने लग जाती थी और अब तुम मुझसे तो चिपक चिपक के चल रहे हो। ये सुनते ही रैंग अपना हाथ उसके कंधे पे से हटा लेता है, लेकिन तभी सिंगजिंग स्कूटी से टकराने वाली होती है। रैंग उसे बचा लेता है, दोनों एक बार फिर से क्लोज आ जाते हैं। ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है जिसमें सारा कबाब में हड्डी बनते हुए उन्हें टोकते हुए कहती है कि तुम लोग इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि वो स्कूटी वाली कोई और नहीं बल्कि सारा ही होती है। सिंगजिंग भी फिर उसे बताती है कि वो लोग यहाँ पर खाना ढूंढने आए हैं, और फिर वो लोग साथ में जाने लग जाते हैं। और ये देखकर तो भाई रैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो जिंगजिंग के साथ में अकेला रहना चाहता था और यहाँ तो सारा कबाब में हड्डी बन गई है। सारा फिर उसे बताती है कि मैं तो बस तुम्हारे ही घर आ रही थी क्योंकि मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी, मेरा भी अब जल्दी बॉयफ्रेंड बनने वाला है। सिंगजिंग उसे पूछती है कि क्या मैं उसे जानती हूँ, तो सारा उसे ना में जवाब देती है और वो कहती है कि मुझे अब लगता है कि मुझे भी अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। सारा उसे कहती है कि तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत है, वो तो तुम्हारे सामने ही है। रैंक तो यहाँ पर ये सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है, इसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि सारा शायद उसी की बात कर रही है, लेकिन फिर वो बोलती है कि मैं हैन की बात कर रही हूँ, जिससे कि हमारे बेचारे हीरो का मूड खराब ही हो जाता है और जिंगजिंग को भी काफी एम्बैरेस फील हो रहा होता है। फिर वो सारा को अपनी लव कन्फेशन वाली बात बताती है जिसका सारा प्लान चौपट हो गया था, और सारा उसे बोलती है कि तुम फिकर मत करो, हम लोग फिर से दोबारा से बहुत ही अच्छा लव कन्फेशन का कोई प्लान बना लेंगे जिसमें रैंग की हेल्प ले लेंगे। और ये सुनने के बाद तो भाई रैंग के मुंह से खाना ही निकल जाता है, वो तो बहुत ज्यादा खांसने लग जाता है। सारा उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो कहता है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अब खाने का मन भी नहीं हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि हैन जिंगजिंग के घर आया हुआ था। रैंग तो उसे देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इस बार हैन को बुलाया था जिंगजिंग के डैड ने क्योंकि मॉम और डैड की मैरिज एनिवर्सरी थी और उनको हैन, रैंग और जिंगजिंग इन तीनों की हेल्प चाहिए होती है। फिर वो लोग पार्टी का प्लान करने लग जाते हैं जिसमें जिंगजिंग और हैन तो बाहर शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं सामान लेने के लिए, और रैंग भी उनके साथ में जाने के लिए बोलता है, लेकिन डैड उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो इसलिए तुम मेरे यहीं पे रुक कर हेल्प करना। हमारा हीरो भी बार बार यही सोच रहा होता है कि शॉपिंग पे वो लोग क्या कर रहे होंगे। रैंग के मन में बहुत ज्यादा उटपटांग ख्याल आ रहे होते हैं कि कहीं जिंगजिंग मार्केट में ही हैन को प्रपोज ना कर दे, लेकिन तभी फिर वो सोचता है कि मार्केट में थोड़ी ना कोई किसी को प्रपोज कर सकता है। फिर भी उसके मन में बहुत उटपटांग ख्याल आ रहे होते हैं कि जिंगजिंग सब्जियों का बुके बनाकर हैंक को प्रपोज कर रही है और उसने भी हाँ बोल दिया है, दोनों के बीच में हो रही है किस। और फिर तो भाई हमारे हीरो का दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो प्लान करता है और डैड से बहाना बनाकर निकल जाता है मार्केट में जिंगजिंग और हैंक का पीछा करने। लेकिन हमारा हीरो तो आज तक कभी रश वाले एरिया में गया ही नहीं था, तो इसलिए उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, बट फिर भी वो जिंगजिंग का और हैंक का पीछा कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि टमाटर को उठाते हुए जिंगजिंग और हैंग का हाथ टच हो गया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सब्जियां तोड़ने लग जाता है। जिंगजिंग बस उसे देखने वाली होती, लेकिन तभी वो नीचे छुप जाता है जहाँ पर एक लेडी उसे गलती से टच कर लेती है और उसे वहाँ पे इन्फेक्शन होने लग जाता है और हमारा हीरो बेहोश हो जाता है। बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी तो जिंगजिंग भी वहाँ पर चेक करने के लिए आती है, तो वो देखती है कि अरे ये तो रैंग है। फिर जैसे तैसे करके वो उसे होश में लेकर आती है, तीनों वापस जा रहे होते हैं जहाँ पर रैंग को काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा होता है। हैंग भी फिर जिंगजिंग से बोलता है कि रैंग की हरकतें बहुत ज्यादा अजीब है और मुझे ये लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं बल्कि वो तुम्हें लाइक भी करता है। जिंगजिंग भी अपने मन में सोच रही होती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता और वैसे भी वो मुझे अपनी मेट की तरह ही समझता है और मैं तो उसकी बॉडीगार्ड हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि फ्लावर बुके लेकर रैंग से मिलने के लिए आ रहा होता है, क्योंकि जिंगजिंग का पीछा करने के लिए रैंग ने डैड से यही बहाना बनाया था कि वो कुछ फ्लावर्स लेने के लिए जा रहा है और ये काम उसने दिया था अपने सेक्रेटरी को,
जैसे सेक्रेटरी आ रहा होता है, चीफ के आदमी उसे आते हुए देख लेते हैं, सब उसका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन हमारा सेक्रेटरी भी बहुत ज्यादा अर्जेंट था और वो भी सब कुछ जान गया था कि वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो इसलिए वो सिंह सिंह के घर ना जाकर सारा की शॉप पे पहुंच जाता है, जहाँ पर सारा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है ये देख कर कि सेक्रेटरी इतना बन ठन कर इतना सज धज कर फ्लावर बुके लेकर आया है और वो भी रोज थे। वो तो यही सोच रही होती है कि शायद वो उसे प्रपोज करने वाला है। बाहर चीफ के आदमी भी सेक्रेटरी को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली सेक्रेटरी की भी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है। जहाँ सारा भी सेक्रेटरी को किस करती है, बहुत खुश हो जाती है और वो उसे हक करने लग जाती है। और बेचारा सेक्रेटरी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक खड़ा होता है वहाँ पर। और वही दूसरी तरफ हम मॉम डैड को देखते हैं और डैड ने बहुत सारी डेकोरेशन की हुई होती है। मॉम तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है उनसे, जहाँ पर वो भी थोड़ी सी इमोशनल होने लग जाती है और वो डैड से बोलती है कि मुझे दौलत और शहरत से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे तुम्हारा नेचर बहुत ही पसंद आया था 30 साल पहले जब मैंने तुमसे शादी की थी। फ्रैंक भी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो भी यही सोचने लग जाता है कि शायद सिंह सिंह की सोच और वो भी शायद अपनी मॉम की जैसे ही होगी। फ्रैंक थोड़ा सैड होकर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर मॉम डैड आकर उसे सैड होने का रीजन पूछते हैं, तो वो कहता है कि उसकी एक फ्रेंड है, लेकिन जब भी वो उसे किसी और लड़के के साथ में देखता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब फील होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे अपने हार्ट में थोड़ी सी जलन महसूस होती है और ऐसे ही वो काफी सारे सिम्टम्स उन्हें बता रहा होता है। जहाँ पर सिंह सिंह के मॉम डैड बोलते हैं, बेटा तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हें तो वन साइडेड लव हुआ है। मॉम डैड तो ये सोच के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली रैंक को वन साइडेड लव हुआ है, लेकिन वो तो ये बात जानते नहीं थे कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी सिंह सिंह ही है। रैंक भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है सही से, और वही सिंह सिंह भी भागते हुए आती है, वो भी काफी ज्यादा खुश लग रही थी। और यहाँ पर रैंग यही सोच रहा था कि कहीं उसने हैन को प्रपोज तो नहीं कर दिया जो वो इतनी ज्यादा खुश है। सचाने के लिए वो सिंह सिंह के रूम के बाहर खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो उसे हैन के बारे में कैसे पूछेगा। और वही हम देखते हैं कि सिंह सिंह बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि जब वो हैन को छोड़ने के लिए जा रही होती है तो हैन उससे बोलता है कि बहुत ही जल्द तुम्हें भी तुम्हारी मॉम की तरह ही कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, जहाँ वो उसके शूलेस भी बांधता है। और ये देखकर सिंह सिंह बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। हैन को वहाँ पर फिर एक डिनर पार्टी का इन्विटेशन आता है, लेकिन एक प्रॉब्लम देगी, उसको वहाँ अपने साथ में एक पार्टनर को लेकर जाना पड़ेगा। जहाँ पर सिंह सिंह उसके साथ में जाने के लिए बोलने लग जाती है तो वो भी फिर रेडी हो जाता है। और वही हम देखते हैं कि जैसे ही रैंक सिंह सिंह के रूम में आता है तो ये सारी बातें उसको भी पता चल जाती हैं। सिंह सिंह उससे कल शाम के लिए लीव मांग रही होती है, लेकिन रैंक उसे लीव देने से साफ इनकार कर रहा होता है और वह कहता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं भी नहीं जा सकती हो। सिंह सिंह बोलती है कि आज तो मैं समझ गई हूँ कि हैंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है, वरना मुझे वो अपने साथ में डिनर पार्टी के लिए लेके जाने के लिए कभी रेडी नहीं होता। रैंक भी उसे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े सपने देख रही हो और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें वैसे लाइक नहीं करता जैसे कि तुम सोच रही हो। लेकिन यहाँ पर सिंह सिंह उसकी बात नहीं सुनती है और रैंक भी सोच रहा होता है कि मैं तो इसे लीव दूंगा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी सारा का सब कुछ सच सच बता देता है कि वो बुके सारा के लिए नहीं बल्कि रैंक के लिए था। जहाँ पर सारा उसकी बातें समझते हुए बोलते है कि मुझे अब इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम मुझे लाइक करते हो। और सेक्रेटरी भी जाकर बस उसे किस कर ही रहा होता है, जहाँ पर रैंक की कॉल उसे आ जाती है और वो कबाब में हड्डी बन जाता है और वो उसे बात करने के लिए फटाक से उसके पास उसे आने के लिए बोल रहा होता है। सारा का मूड थोड़ा ऑफ हो गया था तो इसलिए सेक्रेटरी जाने से पहले उसे फाइनली किस कर ही लेता है। जैसे सेक्रेटरी रैंक के पास जाता है तो रैंक उसे कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि एक लड़की को बहुत ज्यादा लाइक करता है, लेकिन वो लड़की किसी और को लाइक करती है, तो तुम मुझे ऐसा कुछ बताओ जिससे कि वो लड़की मेरे दोस्त को लाइक करने लग जाए। बट सेक्रेटरी भी यहाँ पर बहुत शातिर था और वो कहता है कि रैंक मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं और आपका वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि आप ही है और वो लड़की सिंह सिंह है। साथ ही वो उसे कहता है कि लड़कियों को क्यूट और केयरिंग बॉयज बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और वो हमेशा लड़कों में सिर्फ अच्छाइयां ही ढूंढती हैं, तो आप उसके सामने अपनी सारी अच्छाइयां दिखाओ। रैंक फिर रात में सोचने लग जाता है कि सिंह सिंह को कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं और इसलिए वो उसे फाइटिंग के लिए लेकर जाता है। लेकिन यहाँ तो हमारा बेचारा हीरो सिंह सिंह के हाथों बहुत ही बुरी तरह से पिटने लग जाता है, क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं आती थी और हमारी हीरोइन तो फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थी। घर आने के बाद रैंक सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा पनिशमेंट देने लग जाता है, वो उसे चेयर बना देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे चक्कर में मुझे आज बहुत ज्यादा मार पड़ी है। सेक्रेटरी भी उसे बोल रहा होता है कि मैंने आपको उसे फाइटिंग क्लब ले जाने के लिए थोड़ी ना कहा था, लेकिन बेचारे के बाद रैंक बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसे वैसे ही पनिशमेंट देता रहता है। अपना सारा गुस्सा वो उसी के ऊपर उतारता है।
वहीं दूसरी तरफ जिंग जिंग न्यूज में मेटियोर शावर के बारे में देख रही होती है और रैंक को यहाँ पर ये पता चलता है कि जिंग जिंग को मेटियोर शावर देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन जैसे ही जिंग जिंग उसे बताती है कि वो मेटियोर शावर को हैन के साथ में एंजॉय करना चाहती है, रैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन स्टिल वो उसे एक स्पेशल जगह पे बुलाता है जहाँ पर वो शायद उसे टेलीस्कोप से मेटियोर शावर दिखाएगा, क्योंकि रैंक जिंग जिंग की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। रैंक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही अच्छे से रेडी होकर वो जाने से पहले जिंग जिंग को बोलता है कि अच्छे से रेडी हो गया ना। लेकिन जिंग जिंग तो उसकी बात को सीरियस ही नहीं लेती है। बेचारा हमारा हीरो वहाँ बैठकर बहुत देर से जिंग जिंग का वेट कर रहा होता है जहाँ पर एक लड़की आती है, और रैंक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि शायद जिंग जिंग आ गई। लेकिन जैसे वो देखता है तो वो कोई और थी जो कि उसके साथ में फ्लर्ट करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी, और फिर रैंक उसे वहाँ से भगा देता है। साथ ही वो सेक्रेटरी को बोलकर एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल डिनर जिंग जिंग के लिए अरेंज करवा देता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सारा भी फोन पर होती है, और उसे यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि शायद सेक्रेटरी ये सब कुछ उसके लिए ही कर रहा है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। जहाँ पर हमारी हीरोइन भी उसके साथ में होती है और वो भी उसके लिए काफी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसने सब कुछ बहुत ही अच्छे से प्लान किया था, लेकिन बारिश होने लग जाती है। वो 2 घंटे से वहाँ पर जिंग जिंग का वेट कर रहा होता है, जिंग जिंग वहाँ पर नहीं आती है, तो इसलिए वो भागता हुआ सीधा उसके पास में जाता है। वहाँ जाकर वो उसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाता है, और जिंग जिंग भी उसे कहती है कि मौसम खराब था तो इसलिए मैं नहीं आई। जहाँ पर सेक्रेटरी भी पहुंच जाता है, और वहाँ पर सेक्रेटरी ओसारा की पोल खुल जाती है। रैंक और जिंग जिंग को सेक्रेटरी ओसारा के बारे में पता चल जाता है कि ये लोग लवर्स हैं, और वो दोनों भी उनके लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर चारों लोग जाते हैं साथ में डिनर करने के लिए, और बेचारे हमारे हीरो का तो प्लान का पूरी तरह से यहाँ पर कबाड़ा ही हो गया था। ये सब कुछ तो रैंक ने हमारी हीरोइन जिंग जिंग के लिए किया था, लेकिन बाकी सबको तो यही लग रहा था कि ये सेक्रेटरी ने सारा के लिए किया है, और सारा भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। जहाँ पर फिर एक बहुत ही क्यूट सा केक आता है और उसमें से एक नेकलेस निकलता है, और सारा को ऐसा ही लग रहा होता है कि सेक्रेटरी ने उसके लिए किया है। लेकिन बेचारा सेक्रेटरी तो बहुत ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि बाद में सारी पनिशमेंट तो सिर्फ और सिर्फ उसको ही मिलने वाली है। और फिर वो डरता डरता सारा के पास जाता है, वो नेकलेस उसे पहना देता है। जिंग जिंग भी वहाँ पर उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही होती है और बोलती है कि काश ऐसा कोई मेरे लिए भी करता, लेकिन हमारे झल्ली हीरो को तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए था जो कि हमारे हीरो रैंक ने किया था। दोनों जब घर वापस आ रहे होते हैं तो जिंग जिंग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि नेक्स्ट डे वो हैन के साथ में डिनर डेट पर जो जाने वाली थी। घर आकर उसको मॉम से ये पता चलता है कि रैंक ने ये टेलीस्कोप पार्क में मंगवाया था जो कि अब उसके कोई घर छोड़ गया है। और यहाँ पर हमारी हीरोइन समझ आती है कि रैंक जिंग जिंग के साथ में मेटियोर शावर देखना चाहता था, और इसलिए उसने ये सारी प्लानिंग की थी। वो उसको थैंक यू बोलती है, बट हमारे हीरो का तो काफी मूड खराब था और वो बिना उसी बात की वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठता है तो ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि जिंग जिंग ने इसके लिए मेडिसिन और इसके साथ में ग्रीन टी भी रखी हुई थी, क्योंकि कल वो बारिश में जो भीगा था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिंग जिंग के रूम में से मिलने के लिए जाता है, लेकिन ये देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है कि वो तो हैन से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो रही है और अच्छे से रेडी शेडी हो रही है। जहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा होता है कि तुम चाहे बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाओ, लेकिन रैंक तुम्हें वैसे लाइक नहीं करता जैसे कि तुम सोचती हो। लेकिन हमारी छल्ली हीरोइन उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो तो अपने ही ख्याल में खोई हुई थी। रैंक फिर सेक्रेटरी को कॉल करके उसे बोलता है कि जिस डिनर पार्टी में जिंग जिंग और हैंग जा रहे हैं, रैंक को भी वहीं का इनविटेशन कार्ड चाहिए। मिस वाई भी ये सारी बातें सुन लेती है, और वो सेक्रेटरी को कहती है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूंगी। सीन शिफ्ट होता है, पार्टी का सीन दिखाया जाता है। जिंग जिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और वो हैन के साथ में बहुत ज्यादा खुश थी, और वहीं दूसरी तरफ रैंक भी मिस वाई के साथ में वहां पर आया हुआ था, जो कि जिंग जिंग को रैंक के साथ में देखकर काफी ज्यादा सैड हो रहा होता है। और ये बात मिस वाई भी नोटिस कर रही होती है, क्योंकि वो भी तो रैंक को पसंद करती थी ना, और वो भी थोड़ा सैड हो जाती है। वहाँ पर जिंग जिंग और हैन को पार्टी में सब लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहे थे, और वो उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन हैन तो यहाँ पर उनको साफ साफ बोलता है कि जिंग जिंग उसकी छोटी बहन की तरह है, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। जहाँ पर हमारी हीरोइन के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा हीरो यानी रैंक पहुँचाता है, और वो कहता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं इसे अप्रोच कर रहा हूँ। जिंग जिंग को तो अब तक यही लग रहा था कि रैंक उसे एम्बेरस होने से बचा रहा है, लेकिन वो तो जानती नहीं थी कि हमारा हीरो उसे कितना ज्यादा लाइक करता है। जिसके बाद रैंक सबके सामने जिंग जिंग के साथ में डांस कर रहा होता है, लेकिन हमारे हीरोइन को तो डांस आता ही नहीं था। जिंग जिंग बहुत ज्यादा सैड थी, जहाँ रैंक उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है, और यहाँ तुम्हारी पार्टी में पार्टनर मैं हूँ, तो फिर तुम्हें सिर्फ मेरी तरफ देखना है, किसी और की तरफ नहीं।
हैन भी मिस भाई के साथ में डांस कर रहा होता है, जहाँ पे मिस भाई उसे कहती है कि साफ तौर पर देखकर ये पता चलता है कि सिंगिंग तुम्हें एज अ ब्रदर पसंद नहीं करती है, तुम उसके लिए बहुत ही ज्यादा हो और तुमने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। सिंगिंग फिर वहाँ से सैड होकर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ हैन रैंक को बोल रहा होता है कि अगर सिंगिंग के लिए तुम सच में फीलिंग रखते हो तो आप उसके करीब जाना वरना मत जाना और उसे हर्ट मत करना। जहाँ पर रैंग उसे बोलता है कि हर्ट तो उसे तुमने किया है और बहुत ही ज्यादा किया है और मैं उसे सच में बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और अब मैं किसी को भी उसे हर्ट करने नहीं दूंगा, तो जितना हो सके सिंगिंग से तुम दूर ही रहना क्योंकि जब जब वो तुम्हें देखेगी तब तब उसे बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील होगी। वहीं दूसरी तरफ जब मिस भाई अपने घर जा रही होती है तो उनकी गाड़ी अरेंज नहीं हो पा रही होती है, जहाँ पर तभी हैन पहुँच जाता है और वो उसे लिफ्ट देता है। सिंगिंग काफी ज्यादा दुखी थी और इसलिए वो अब सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और इसलिए वो उसके साथ जाने लग जाता है। वो उसे काफी मना करती लेकिन वो नहीं मानता। बहुत ज्यादा ठंड हो रही होती है और इसलिए वो अपना कोट सिंगिंग को उतार कर पहना देता है। सिंगिंग भी फिर अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि जितना वो रैंक को बुरा समझती है रैंक उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। वही दूसरी तरफ हम मिस भाई और हैन को देखते हैं, जहाँ पर मिस भाई बोल रही होती है कि ग्रैंडपा रैंग और सिंगिंग के रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी अपने माइंड में अपनी बहू की ईमेल सेव करके रखी हुई है। और यहाँ पर हैन भी समझ आता है कि वह कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रही है। मिस भाई का भी घर आ गया था और जाने से पहले वो हैन का फोन लेकर उसके फोन में पेमेंट करके जा रही होती है, जिससे कि हैन को भी ये पता चल जाता है कि ये तो वही एन नाम की लड़की है जिसे हैन काफी टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये हमेशा बहुत ही क्यूट और प्यारे से कमेंट उसकी नॉवल पे करती है। हैन को भी उसके थॉट्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि वो हैन के थॉट्स से मैच करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे हीरो हीरोइन को देखते हैं जो कि वॉक करते हुए जा रहे होते हैं क्योंकि सिंगिंग का टैक्सी से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वहां पर रैंक के पीछे चीफ के आदमी पड़ जाते हैं तो वो लोग छुपते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। सिंगिंग वहाँ पे खाना खाने की बजाय बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है क्योंकि हैंग ने उसे रिजेक्ट जो कर दिया था वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ऊटपटांग सी हरकतें करने लग जाती है। वो बोलती है कि मैंने इतनी सुंदर सुंदर लिपस्टिक लगाई थी और मैं इतने अच्छे से ड्रेसअप होके आई थी लेकिन हैन ने तो मुझे पसंद ही नहीं किया, तो क्या मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ। और वो ऐसे ऐसे बोलकर अपने कोट को उतारने लग जाती है, जहाँ पर रैंग उसे संभालते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और बहुत ज्यादा क्यूट हो। लेकिन वही हमारी जल हीरोइन तो वहाँ फूट फूट कर रोने लग जाती है। रैंग उसकी फोटो खींचता है और उसे कहता है ये तुम्हारा रियल नेचर है, हैन के सामने तो तुम सिर्फ अपना बनावटी नेचर दिखाने की कोशिश करती हो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। रैंक फिर उसे घर लेकर जा रहा होता है लेकिन वो तो हाई हील्स में चल भी नहीं पा रही थी तो इसलिए रैंक उसकी हील्स उतारता है। फिर वो उसे उठाकर लेकर जा रहा होता है लेकिन यहाँ पर भी छल्ली हीरोइन ड्रामेबाजी करने लग जाती है कि उसे झूला झूलना है। रैंक यहाँ पर सिंगिंग के साथ में वो सारी चीजें कर रहा था जो कि उसने अपनी लाइफ में आज तक कभी की ही नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ करके उसे बहुत ही ज्यादा खुशी भी मिल रही थी क्योंकि वो सिंगिंग से प्यार जो करता है। तो फिर वो साथ में झूला झूल रहे होते हैं और उसके बाद जैसे तैसे करके फाइनली वो उसके घर लेकर आ रहा होता है लेकिन यहाँ पर भी वो बहुत ज्यादा नौटंकी करने लग जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नशा था और इसलिए वो अपने सारे पड़ोसियों का गेट नॉक करने लग जाती है। सब लोग बाहर आ जाते हैं, सब उसे देखने लगते हैं। जैसे तैसे करके रैंग उसे घर तो ले आता है लेकिन घर पे उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा डांटती है और फिर वो उसकी ड्रेस चेंज करके उसे सोने के लिए बोलती है। रैंग भी बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो उसके रूम में जाता है तो सिंगिंग ब्लाइंड बॉक्सेस देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसके अंदर का सामान बहुत सारा टूट चुका था। रैंक सेक्रेटरी को कॉल करके नेक्स्ट डे उसे बहुत सारे ब्लाइंड बॉक्सेस लाने के लिए बोल देता है, लेकिन जैसे वो डन करता है हमारी झल्ली हीरोइन वहां से गायब हो चुकी थी। और जैसे उसकी सुबह आँख खुलती है वो देखती है वो तो एक अलमीरा में सो रही होती है और रात के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था और वो अलमीरा रैंक की थी और वो रैंक के रूम में ही सो गई थी। फिर मॉम सिंगिंग को बहुत ज्यादा डांट रही होती है। रैंक की शर्ट पर लगा लिपस्टिक का निशान भी उसे दिखा रही होती है लेकिन यहाँ तो हमारी हीरोइन को कुछ याद ही नहीं था, जहाँ पर रैंक भी उसे बोल रहा होता है कि आंटी आप फिकर मत कीजिए मैं अपनी शर्ट खुद ब खुद धो लूंगा। लेकिन यहाँ पर बात तो कुछ और ही थी, रैंक के लिए वो शर्ट बहुत ही ज्यादा प्रीशियस थी क्योंकि उस पर सिंगिंग की लिपस्टिक का निशान जो लगा था और वो उसे हमेशा संभाल के रखना चाहता था। रैंक उसे बहुत ज्यादा याद कराने की कोशिश कर रहा होता है कि कल रात सिंगिंग ने क्या कुछ किया लेकिन उसे तो कुछ याद ही नहीं आता। फिर वो फाइनली उसे बताता है रात के टाइम जब वो उसे ढूंढ रहा था तो वो रैंक की ही अलमीरा में छुपकर बैठी हुई थी और वो अपने आप को ब्लाइंड बॉक्स में रखा हुआ गिफ्ट बोल रही थी और साथ ही वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी हूँ। रैंक यहाँ पर उससे कहता भी है कि मैं हैन नहीं हूँ बल्कि रैंक हूँ
लेकिन फिर सिंगसिंग उसे ये बोलकर वहाँ पर किस कर लेती है कि मैं जानती हूँ कि तुम रैंग हो और तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। पहले तो तुम बहुत ही ज्यादा अकड़ू हुआ करते थे, लेकिन अब तुम बहुत स्वीट हो गए हो और मेरी काफी ज्यादा केयर भी करते हो। वहीं पर गलती से सिंगसिंग की लिपस्टिक का निशान भी रैंग की शर्ट पर लग जाता है। सच आने के बाद तो सिंगसिंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। जैसे ही वो भागते हुए घर के बाहर जा रही होती है तो सारे अड़ोसी पड़ोसी रात में उसकी उस हरकत के बारे में उसे बता रहे होते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। जहाँ पर तभी सारा जाती है बहुत सारे ब्लाइंड बॉक्सेस लेकर, क्योंकि ये सारे तो रैंग ने ही मंगवाए थे। साथ ही वो कहती है कि रैंग ने मेरी इस शॉप में भी बहुत ही सारा इन्वेस्टमेंट किया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारी हीरोइन जानती थी कि ये सब कुछ रैंग उसके साथ में क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और वो रैंग से जाके बोलते है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे साथ में प्यार सिर्फ इसलिए करना चाहते हो क्योंकि ये बात तुम बहुत ही अच्छे से जानते हो कि कोई और लड़की तुम्हें छू नहीं सकती और इस बात का तुम फायदा भी उठा रहे हो। लेकिन रैंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा और ये सब कुछ झूठ नहीं है और जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सिंगसिंग उसे कहती है कि मेरे पास बहुत सारी चॉइस है और मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड की तरह तो कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। रैंग वहाँ पर उसे फिर से समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिंगसिंग उसकी कोई बात सुनी बिना ही वहाँ से भाग कर सीधा सारा के पास पहुँच जाती है। जहाँ जाकर वो सारा को सब कुछ सच सच बता रही होती है कि रैंग को उसने कर लिया था कल रात में किस, और वहाँ पर सेक्रेटरी भी पहुँच जाता है और ये बात वो भी सुन लेता है। जहाँ पर वो फाइनली सब कुछ रिवील कर रहा होता है, साथ ही वो उसे बताते हुए कहता है कि जो उस दिन डिनर पार्टी हुई थी रैंग ने ही अरेंज की थी और साथ ही मेटियो शावर भी वो सिंगसिंग के साथ में देखना चाहता था। वो सारा प्लान सिर्फ और सिर्फ रैंग का ही था। ये सुन के तो सारा बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है कि वो गिफ्ट भी यानी कि ये नेकलेस सिंगसिंग के लिए था जो कि रैंग ने सरप्राइज रखा था और वो सारा के लिए नहीं था। सिंगसिंग को भी फिर फ्लैशबैक आ रहे होते हैं कि फ्रैंक ने हमेशा उसकी फैमिली की हेल्प की है और हमेशा वो उनके साथ में प्यार से रहा है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। वहीं दूसरी तरफ सिंगसिंग अपना फोन घर पर ही भूल गई थी, जिसपे हैंग की कॉल आ रही थी। रैंग फोन को पिकअप करता है, जहाँ पर हैंग सिंगसिंग को बुला रहा होता है अपने स्टूडियो में सारी फाइल्स लेकर जो कि उसने उसे दी हुई थी, और साथ में वो रैंग को भी आने के लिए कहता है। रैंग के लव कन्फेशन के बाद तो सिंगसिंग जैसे गायब ही हो गई थी और इसलिए वो उसके बारे में पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलता है, जहां पर उसे पता चल जाता है कि सिंगसिंग सारा के शॉप पर ही है और सेक्रेटरी भी वहीं पर है। सिंगसिंग तो रैंग को बताने के लिए मना कर रही थी कि वो सारा के यहां पर है, लेकिन सेक्रेटरी ने तो अपना मुंह खोल ही दिया था तो इसलिए वो वहां से भागने लगती है। लेकिन सामने उसे रैंग मिलता है, जहाँ पर वो ये बहाना बनाने लग जाती है कि सारा और सेक्रेटरी अंदर बहुत ज्यादा लड़ रहे थे तो मैं तो बस उनकी लड़ाई को शांत करवा के जा रही थी। जैसे वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो तो शांत भी हो गए थे और उनके बीच में किस भी स्टार्ट हो गई थी। सिंगसिंग और रैंग घर वापस जा रहे होते हैं तो फिर उनके आसपास के सारे पड़ोसी देख कर दोनों की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है कि ये कपल तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच है। रैंग तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वही हमारी हीरोइन भी शर्माने लग जाती है। नेक्स्ट डे वो दोनों हैंग के स्टूडियो में से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रैंग दिखता है कि इसके ग्रैंडफादर वहाँ पर अपने लोगों के साथ में आए हुए होते हैं और इसलिए सिंगसिंग के सनग्लासेस और उसका स्टॉल लेकर वो खुद को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दादाजी ने तो उसे देख लिया था। जहाँ पर हमारा हीरो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था और वो इसी सेम गेटअप में हैंग के सामने पहुँच जाता है। हैंग उसे देख कर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो ये बहाना बनाने लग जाता है कि वो सनस्ट्रोक से बचने के लिए प्रिकॉशंस कर रहा है। हैन फिर वहाँ पर उन दोनों के लिए कॉफी बना रहा होता है। सिंगसिंग भी वहाँ पर उसे जाकर बात करने की कोशिश कर रही होती है और वहीं हमारा हीरो उनकी बातें छुप छुप कर झाक झाक कर सुन रहा होता है, क्योंकि रैंक को तो यही लग रहा होता है कि कहीं इनके बीच में फिर से कोई खिचड़ी ना पकने लग जाए। लेकिन सिंगसिंग तो यहाँ पर हैंग के साथ में सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए आई हुई होती है। साथ ही वो उसे कह रही होती है कि बचपन से ही मेरा तुम पे क्रश रहा है और मैं हमेशा से तुम्हारे पास रहना चाहती थी। जहाँ पर हैन भी उसे कहता है कि तुम मेरी फैमिली की तरह हो, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह ही हमेशा के लिए हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करना चाहता था और इसलिए शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। साथ ही वह कहता है कि भले मेरी शादी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा से ही वैसे ही प्रीशियस रहोगी। कहता है कि मैं जानता हूँ कि नॉवल के काम में रैंग ने तुम्हारी हेल्प की है। जहाँ पर हमारा हीरो भी ये बहाना बनाते हुए बीच में ही टपक जाता है कि मैं तो बस कॉफी देखने के लिए आया था कि कॉफी अभी तक क्यों नहीं बनी। जिसके बाद हैन भी उसे बोल रहा होता है कि मैं तो बस ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ कि तुम एक बिजनेसमैन हो और फिर भी तुम्हें नॉवल लिटरेचर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। फिर वहाँ पे बहुत सारी बातें हो गई थी उनकी और उसके बाद रैंग और सिंगसिंग वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि चीफ के
लोगों ने तो पहले से ही रैंग को देख लिया था और वो सब लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। रैंग और जिंगजिंग भी वहाँ पर छुप रहे होते हैं, वो स्टेयर से भागने लग जाते हैं क्योंकि लिफ्ट से तो वो लोगों ने ढूंढ रहे थे। दोनों लोग फिर से वहीं पर आपस में झगड़ने लग जाते हैं जिससे कि वो छुपते हुए और भी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। और यहाँ पर रैंग जिंगजिंग को कहता है कि जब तुम कबट से निकल कर आई थी तो उस टाइम भी तुम मेरे इतने ही ज्यादा क्लोज थी। और ये सुन के तो हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो उससे बोलती है कि ये वक्त इन सारी बातों का नहीं है और हमें यहाँ से भागकर छुपना ही होगा। और वहाँ पर उन्हें फिर ये पता चलता है कि उसी होटल में एक वेडिंग शूट चल रहा है। वो दोनों भी फिर उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं ताकि वो चीप के लोगों से बच सके। और यहाँ पे हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। सिंगजिंग को तो ये सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है लेकिन रैंग को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। वो लोग वहाँ से जाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं लेकिन तभी फोटोग्राफर उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है कि अगर मैंने एक भी पिक्चर मिस की तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग भी मेरे साथ में कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। फिर ये सारा झमेला खत्म होने के बाद जिंगजिंग और रैंग दोनों जैसे ही वहाँ से जा रहे होते हैं तो सामने उन्हें आखिरकार चीप के आदमी पकड़ ही लेते हैं और उनका इतनी सारी मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ होता है। सिंगजिंग भी फिर वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड होने का फर्ज निभाती है और सबको मार्शल आर्ट स्टाइल में एकदम बहुत ही अच्छे से मजा चखा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर रैंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो अपने लोगों को उन्हें मारने से रोक लेते हैं। वो रैंग को अपने साथ में चलने के लिए कहते हैं और साथ ही वो उसे ये भी कहते हैं कि जिंगजिंग के साथ में ऐसे उसके घर पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट रैंग भी तो अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था ना, और वो भी उनसे कह रहा होता है कि मैं खुद से तो आपके साथ जा नहीं सकता और अगर आप चाहते तो आप मेरे साथ में जबरदस्ती कर सकते हैं, और लेकिन ये बात बिल्कुल भी मत भूलेगा कि ये न्यूज कल जब मीडिया में आएगी तो इससे आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। बेचारे ग्रैंडफादर भी क्या ही करते, वो भी वहाँ से फिर चुपचाप चले जाते हैं ताकि उनकी कंपनी यानी कि गो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की रेपुटेशन बिल्कुल भी खराब ना हो। फिर रात के टाइम पे रैंग सिंगजिंग के पास आकर उसे वेडिंग शूट की सारी फोटोज दिखाने लग जाता है। साथ ही वो कहता है कि इसमें सारी फोटोज तो हैं लेकिन इसमें स्टिल एक फोटो मिसिंग है जो कि ब्राइड और ग्रूम के किस की फोटो है, और वहाँ फिर वो उसको किस करने लग जाता है। जिंगजिंग उसे रोकना तो चाहती है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती है, जहाँ पर तभी मॉम भी उन दोनों को ऐसे किस करते हुए देख लेती है और वो फटाक से भागकर रूम में जाकर ये सारी बातें डैड को बताने लग जाती है। साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि रैंग तो वैसे इनको काफी ज्यादा पसंद है लेकिन जिंगजिंग और रैंग उन दोनों का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है तो इसलिए वो लोग साथ में नहीं हो सकते हैं। वो ये सारी बातें कर रही होती है बट डैड तो तब तक सो चुके थे, उन्होंने तो मॉम की कोई बात सुनी ही नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ हम रैंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि आज उसने पहली बार जिंगजिंग को किस चुकिया था। बट हमारी हीरोइन तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, वो अपने आप पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि मुझे ये अचानक से क्या हो गया है, मुझे रैंग को पंच मारना चाहिए था और इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करना चाहिए था लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग रैंग डैड के साथ में वहाँ पर जा रहा होता है और वहाँ सिंगजिंग बार बार रैंग से छुपने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। और जैसे ही रैंग और डैड बाहर जाते हैं तो मॉम बहाने से सिंगजिंग से बात करने की कोशिश करती है, साथ ही वो उसे कहती है कि उन्होंने रात को सिंगजिंग और रैंग को आपस में किस करते हुए देख लिया था। वो उससे ये भी कहती है कि मुझे रैंग बहुत ज्यादा पसंद है और वो हम सबका बहुत ही ज्यादा ख्याल भी रखता है, यहाँ तक कि उसने बहुत सारा सामान किचन में लाकर रखा हुआ है ताकि मॉम को कोई भी कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिंगजिंग फिर मॉम को समझाते हुए कहती है कि जैसा वो सोच रही है उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो किस उनसे गलती से हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ रैंग भी डैड से ये पूछ रहा होता है कि अगर हम जानना चाहते हैं कि कोई लड़की हमें लाइक करती है या नहीं तो ये बात हमें कैसे समझ में आएगी। डैड भी फिर उसे बहुत सारे आइडियाज दे रहे होते लेकिन वो तो ये जानते नहीं थे कि रैंग उन्हीं की बेटी यानी कि जिंगजिंग की बात कर रहा है। डैड को तो यही लग रहा था कि शायद रैंग मिस फाई को पसंद करता है और इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए पूछ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि रैंग और जिंगजिंग की वो डांस पार्टी वाली फोटोज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ ही वो ये भी बोल रहे होते हैं कि जिंगजिंग और रैंग साथ में कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहे हैं लेकिन वो दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके बैकग्राउंड बहुत ज्यादा चेंज है। जिसके बाद वो वहाँ पर मिस बाई को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मैच मेरे ग्रैंड सन के साथ में हो और शायद तुम भी ऐसा ही चाहती हो तो तुम्हें फाइट बैक जरूर करना चाहिए और हर हाल में रैंक को यहाँ पर वापस लेकर आना चाहिए, तो इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ प्लान जरूर करना पड़ेगा। रैंक भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और इसलिए वो सेक्रेटरी को बुलाकर उसे पूछता है कि वो जिंगजिंग से उसका लव कन्फेशन आखिरकार कैसे बाहर निकलवाए।
सेक्रेटरी भी उसे फिर बहुत सारे आइडियाज देने लग जाता है और साथ ही वो कहता है कि लड़कियों को दूसरी गर्ल से बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है तो इसलिए हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए। फ्रैंक भी सेक्रेटरी के साथ में मिलकर प्लान करता है और अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड जोई के पार्क में इन्वेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है। साथ में वो जिंगजिंग को भी लेकर जा रहा होता है। प्लान के अकॉर्डिंग ही सेक्रेटरी भी जिंगजिंग के सामने जोई की बहुत ज्यादा तारीफ रैंक से कर रहा होता है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे रैंक नहीं कहा था। लेकिन यहाँ पे तो हमारी हीरोइन को बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं होती है और उल्टा वो हंसने लग जाती है। जैसे ही वो लोग जोई के पास पहुंचते हैं तो जोई रैंक से मिलने के लिए आ रही होती है लेकिन रैंक बीच में ले आता है जिंगजिंग को क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि उसे लड़कियों से एलर्जी है जिंगजिंग को छोड़कर। वहां पर पार्क में एक लवर्स पॉइंट भी था जहां पर सारे लवर्स को अपने हैंड प्रिंट लगाने थे। जिंगजिंग को जेलस करने के लिए रैंक जोई के साथ में वहां पर अपना हैंड प्रिंट लगा लेता है। ये सब कुछ देखकर तो कहीं ना कहीं जिंगजिंग को थोड़ा बहुत अजीब फील भी हो रहा होता है। जैसे ही वो लोग लंच करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जोई ने रैंक का सारा फेवरेट खाना बनाया था लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए ही था। रैंक वहाँ पर थोड़ा सा खाना टेस्ट करके सारा खाना जिंगजिंग की तरफ पास कर देता है और वो भी भुक्कड़ों की तरह सब कुछ खाने लग जाती है और इनफैक्ट वापस आते टाइम फ्राइड राइस की स्पेशल रेसिपी भी अपने साथ में ले आती है ताकि वो डैड से बनवा के उसे खा सके। और ये सब कुछ देख देख के तो रैंक काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है क्योंकि उसका सारा प्लान ऑलरेडी फेल हो चुका था और इसलिए सारा गुस्सा वो सेक्रेटरी पर ही निकाल रहा होता है। घर आने पर रैंक बहुत सारी उटपटांग हरकतें करने लग जाता है जिससे कि वो बीमार हो जाए और जिंगजिंग उसकी केयर करने के लिए आए। जैसे तो पहले वो चाकू से स्टैब करने की कोशिश करता है लेकिन इस कार बन जाएगा और इसलिए वो ऐसा नहीं करता। बारिश भी नहीं होने वाली थी तो इसलिए वो ठंडे पानी से नहा लेता है और ये बात जिंगजिंग को भी पता चल जाती है तो उसे डांटने लगती है। जब वो उसे ये कहता है कि मान लो कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देख रही हो, लेकिन जिंगजिंग सीधा उसकी इंसल्ट करते हुए ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि तुम्हारे तो 6 एब्स भी नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों ही छुप छुप के देखूंगी, जो बात हमारे हीरो के दिल पर बहुत ही बुरी तरह से लग जाती है। और फिर वो जाता है फटाफट से वर्कआउट करने लग जाता है और बिना ब्लैंकेट के सो जाता है ताकि उसकी तबीयत खराब हो जाए। लेकिन रैंक की तो तबीयत खराब होने का नाम ही नहीं ले रही होती है तो इसलिए सेक्रेटरी लेकर आता है हीट पैड और वो लोग फेक फीवर का नाटक करने लग जाते हैं। जिंगजिंग वहाँ पर आती है, उसे चेक करती है और वो उसकी काफी ज्यादा केयर करने लग जाती है। ये देखकर रैंक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। रैंक के कहने पर फिर जिंगजिंग वो स्पेशल फ्राइड राइस भी बनाने लग जाती है जिसकी रेसिपी वो जोई से लेकर आई थी लेकिन हमारी हीरोइन ने आज से पहले कभी कुक किया ही नहीं था तो इसलिए वो फ्राइड राइस बहुत ही बेकार बनाती है। लेकिन रैंक तो यहाँ पर यही सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि जिंगजिंग ने पहली बार उसके लिए कुछ बनाया है और वो प्यार प्यार में सारा ही खा जाता है। जहाँ पर पहले तो उसकी तबीयत खराब नहीं थी लेकिन बाद में ये सब कुछ करने के बाद बेचारे की तबीयत सच में खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेडिसिन का बिल देख के जिंगजिंग को भी पता चल जाता है कि ये सारा प्लान सेक्रेटरी और रैंक का था और उन दोनों ने मिलकर जिंगजिंग को बेवकूफ बनाया है और हीटिंग पैड का यूज किया है। वो जाकर सीधा रैंक से लड़ने लग जाती है और उसे बहुत ज्यादा डांट रही होती है। जहाँ पर तभी जिंगजिंग की वो मनी बोरो करने वाली और 5 साल तक रैंक का बॉडी गार्ड बनकर उसका उधार चुत्ता करने वाली वीडियो मॉम के पास गलती से सेंड हो जाती है और मॉम भागते हुए सीधा रैंक के रूम पे आती है और उसको बोलती है कि अच्छा रैंक का उधार चुत्ता करने के लिए ही तुम खुद को सेल कर रही हो और इसीलिए शायद रैंक ने भी तुमको किस किया था। और ये सुन के तो भाई डैड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और दोनों फिर अपनी ओवर एक्टिंग से रैंक को मारने की कोशिश करने लग जाते हैं। डैड को तो यही लग रहा था कि जब रैंक मिस भाई को लाइक करता है तो फिर उसने उनकी बेटी जिंगजिंग को किस क्यों किया। और यहाँ पर फिर रैंक भी उन्हें यही समझा रहा होता है कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है और वो मिस भाई को नहीं बल्कि सच में जिंगजिंग को ही लाइक करता है। मामला थोड़ा सा शांत हो जाता है और जब वो सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तब मॉम वहाँ पर जिंगजिंग को बहुत डांट रही होती है और उसे समझा रही होती है कि तुम्हें अपनी हरकतों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि रैंक एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने हमेशा हम सब लोग की हेल्प की है। लेकिन डैड तो कुछ ज्यादा ही टेंशन फ्री होकर मस्त खाने में लगे हुए थे जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही अपनी ओवर एक्टिंग से पूरे घर को सर पर उठाया हुआ था। मॉम के ये कहने पर कि तुम्हें भी रैंक का ख्याल रखना चाहिए और अपने सारे फर्ज को अच्छे से निभाना चाहिए वो रैंक के लिए ऊपर खाना लेकर जाती है लेकिन रैंक की तबीयत तो सच में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए भी बोल रहा होता है। लेकिन जिंगजिंग को तो यही लग रहा था कि वो शायद अभी भी उसे हीटिंग पैड का यूज करके उसे बेवकूफ बना रहा है और इसलिए वो वहां से सीधा निकल जाती है। डोरबेल बजती है, सारा और सेक्रेटरी वहाँ पर आए हुए थे जो कि जिंगजिंग को ये बताते हैं कि रैंक ने उन्हें कॉल करके बुलाया है ताकि वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जा सके क्योंकि जिंगजिंग उनकी बात नहीं सुन रही थी।
हॉस्पिटल जाने के बाद सिंगजिन को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि रैंक सच बोल रहा था, और अगर उसने पहले उसकी बात सुन ली होती तो बेचारे रैंक की तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। रैंक को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है, वो ये देख रहा होता है कि सिंगजिन उसकी कितनी ज्यादा केयर कर रही है। साथ ही सेक्रेटरी से सिंगजिन को ये भी पता चल जाता है कि बचपन में ही रैंक के मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए थे, ग्रैंडफादर ज्यादातर ही काम में बिजी रहते थे, तो इसलिए बचपन से ही रैंक को पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला है और इसलिए वो काफी ज्यादा अकेला है। और ये सब को सुनने के बाद तो सिंगजिन को बहुत ही ज्यादा सिंपैथी रैंक के लिए होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मॉम डैड बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि पड़ोस के ही एक अंकल ने मॉम को ये बता दिया था कि रैंक के ग्रैंडफादर सूट बूट में बहुत सारे लोगों के साथ में आए थे और वो रैंक को अपने साथ में लेकर जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर सिंगजिन ने उनकी बहुत ज्यादा पिटाई की और सिंगजिन को बचाने के लिए वो तो उनके पीछे अपना कुत्ता ही छोड़ने वाले थे। ये सारी बातें करते हुए मॉम डैड बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे होते हैं, क्योंकि रैंक और सिंगजिन दोनों ही डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, और रैंक बहुत ही हाई क्लास है और उसके ग्रैंडफादर सिंगजिन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जहाँ पर तभी मिस भाई भी आ जाती है, और वो जब रैंक सो रहा होता है तो वो जाकर सीधा सिंगजिन से मिलती है और उसे सारी चीज समझा रही होती है कि रैंक एक हाई क्लास फैमिली में पला बड़ा है और इसलिए उसे सिंगजिन और उसकी फैमिली में रहने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, और इसीलिए उसकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक हो गई होगी और उसे यहाँ का खाना भी अच्छे से पच नहीं पा रहा होगा। वो रैंक के लिए क्वालिटी फूड भी लेकर आई थी, साथ ही वो सिंगजिन को ये भी रियलाइज करवाने की कोशिश कर रही होती है कि सिंगजिन और रैंक दोनों का स्टेटस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, तो वो लोग साथ में नहीं हो सकते हैं। सिंगजिन का ब्रेन वॉश करने के बाद जब मिस वाइफ वहाँ पर जाती है तो मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो भी सिंगजिन को यही समझा रही होती है कि रैंक और सिंगजिन आर नॉट कम्पेटेबल टू ईच अदर, तो इसलिए उन्हें सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए, वरना बाद में सिंगजिन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी और हर्ट सिर्फ और सिर्फ उसी को होगा। फिर जैसे ही रैंक को होश आता है तो सिंगजिन उसके रूम में बहुत सारी मेडिसिन लेकर जाती है और साथ में बहुत सारा फूड भी लेकर जाती है जो मिस भाई उसके लिए लेकर आई थी। जहाँ पर हमारा हीरो तो यही सोच रहा होता है कि शायद सिंगजिन अब उसके लव को एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। सिंगजिन उसे यहाँ पर ये बोलकर जाने लग जाती है कि वी आर नॉट कम्पेटेबल टू ईच अदर, तो हमें एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए, और स्नो में जाकर घूमने लग जाती है जहाँ पर वो रैंक के साथ में बिताए हुए सारे खूबसूरत पलों को याद कर रही होती है। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन को फिर से गुस्सा आता है रैंक के ऊपर और वो जाके उसे डांटने लग जाती है, क्योंकि रैंक ने अपने अकाउंट के सारे पासवर्ड और सारा कैश भी उसके साथ में शेयर किया हुआ था, और साथ ही वो कह रहा था कि तो हम दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हो गए हैं, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। लेकिन सिंगजिन तो उसके ऊपर उल्टा ही गुस्सा कर रही होती है कि हम दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत ही डिफरेंट टाइप में हुई है, तो इसलिए तुम यहाँ पर रह नहीं सकते हो और यहाँ से तुम चले जाओ। रैंक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सीधा सारा से जाके मिलता है और सारा भी उल्टा उसी पर गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि मैं तो बस यही होप कर रही हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारी तरह ना हो। किसी भी लड़के के सामने अगर तुम पैसों का धोस जमाओगे तो ऑब्वियसली वो तो बुरा मान ही जाएगी, और अगर तुम सच में सिंगजिन को प्यार करते हो तो तुम्हें खुद को उसके अकॉर्डिंग और उसके एनवायरमेंट में ढालना होगा और यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। रैंक भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था और उसने यूएसए में अपनी पढ़ाई की थी और वो काफी ज्यादा माइंडेड भी था, और इसलिए वो सोचता है कि सिंगजिन के साथ में वो उसके आस पड़ोस के सारे लोगों की भी हेल्प करेगा और जितना हो सकेगा वो उन सबको डेवलप करने की कोशिश भी करेगा, और वहाँ पे खड़ा होकर सबको ऑब्जर्व करने लग जाता है। सबसे पहले रैंक सेक्रेटरी को सिंगजिन के मॉम के सैलून में भेजकर उनसे 50 VIP कार्ड्स को खरीद लेता है, ताकि वो अपने बेस्ट एम्प्लॉय को यही कार्ड्स फ्री में दे सके, जिससे कि उनका पार्लर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा। सिंगजिन की मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इससे तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मोहल्ले के डांसिंग स्कूल को रैंक ने ईयरफोन लेकर दिए हुए होते हैं, ताकि शोर भी ना हो और सारे बच्चे आराम से डांस प्रैक्टिस भी कर सके। सिंगजिन और डैड ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के सब लोग उसके डैड को बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनका गेस्ट यानी कि रैंक इन सब की इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा था। और साथ ही चाय वाली आंटी का भी बिजनेस रैंक ने ऑनलाइन ही सेट करवा दिया था, जहाँ पर हमेशा डिलीवरी बॉयज का रश लगा रहता था। डैड का मार्शल आर्ट का बिजनेस जो कि अब शायद पूरी तरह से ठप हो चुका था, और उसे भी रैंक ने चला दिया था। रैंक ने उसकी इतनी ज्यादा अच्छे से मार्केटिंग की थी कि उसके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आने लग गई थी, यहाँ तक कि वो खुद भी डैड से मार्शल आर्ट सीखने लग जाता है। रैंक हर तरह से अपने आप को सिंगजिन के माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, वो सारे काम कर रहा होता है जो कि ये नॉर्मल लोग किया करते हैं। मॉम और डैड तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, और कहीं ना कहीं हमारे हीरोइन का भी दिल पिघलने ही लग गया था, क्योंकि रैंक हर टाइम मोहल्ले के लोगों की हेल्प के लिए जो तैयार रहता था।
मॉम और डैड तो रैंग और सिंगजिंग की शादी की प्लानिंग करने लग जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब तो हम इन दोनों के बच्चे ही खिलाएंगे। रैंग बेचारा बहुत ज्यादा काम करता था और इसलिए वो थक हार कर सोफे पे चेयर पे जहाँ भी उसे जगह मिलती थी वहीं पर सो जाया करता था। जिंगजिंग का हाथ पकड़ के वो उसे कहता है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो क्या तुम अब मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती हो या फिर नहीं। जिंगजिंग उसे कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। जहाँ भी जिंगजिंग जाती होती थी सब लोग वहाँ पर रैंग की तारीफ उसे करने लग जाते थे और हमेशा उसको बोलते थे कि रैंग एक हीरा है और जिंगजिंग को उसकी कद्र करनी चाहिए और उसे हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारी हीरोइन भी रैंग के प्यार में धीरे धीरे पिघल ही रही होती है कि जहाँ पर तभी उसके सामने एक और बहुत बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है, जब चीफ के लोग आते हैं और सीधा उठाकर जिंगजिंग को ग्रैंडपा के सामने ले जाते हैं और ग्रैंडफादर भी उसे कहते हैं कि हमें हमारा बेटा वापस चाहिए, हम चाहते हैं कि रैंग हमारे पास वापस आ जाए और उसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, जो भी तुम्हारी कीमत है तुम मुझे बता सकती हो। जिंगजिंग को सोचने का टाइम देकर वहाँ से जाने से पहले वो अपने बंदक को अच्छे से समझा देती है कि ये मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो इसलिए इसे संभल के रहना। वहीं दूसरी तरफ मॉम डैड को पता चल गया था कि जिंगजिंग घर से गायब हो गई है और जैसे ही रैंग वहाँ पर आता है वो लोग उसे भी जिंगजिंग के गायब होने के बारे में बता देती है। जहाँ पर तभी वो चाय वाली आंटी आती है और फिर वो कहती है कि कुछ सूट कोट वाले लोग आए थे जो कि जिंगजिंग को अपने साथ में उठाकर ले गए हैं। जब रैंग को ये समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि ये सब कुछ उसके दादाजी ने ही करवाया है और वो मॉम डैड को बोलता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं जिंगजिंग को वापस ले आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन दादाजी के बंदों की एकदम मस्त तरीके से धुलाई कर रही होती क्योंकि वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे और वो तो बस वहाँ से जाना चाहती थी। रैंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मार पिटाई की आवाज़ सुनकर वो भी जिंगजिंग के पास आकर फिर उसको रोकते हुए वाटर पाइप लेकर सबके ऊपर पानी डालने लग जाता है। जहाँ पर तभी दादाजी भी पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो बस ये देखकर ही खुश हूँ कि एटलीस्ट जिंगजिंग की वजह से मैंने तुम्हारी शक्ल तो देखी और तुम यहाँ पर भले ही अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने आए हो लेकिन तुम यहाँ पर आ तो गए हो। जहाँ पर चीफ भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि रैंग और जिंगजिंग के बीच में कितना सादा प्यार है, क्योंकि रैंग वहाँ पर सबसे कह रहा होता है कि जिंगजिंग को अगर एक खरोच भी आए तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, जो कि एकदम हीरो स्टाइल में होता है। साथ ही वो कहता है कि मुझे लोगों के टच से बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लेकिन इस पूरी दुनिया में जिंगजिंग ही एक ऐसी लड़की है जिसके फिजिकल टच से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, जिसका साफ मतलब यही है कि जिंगजिंग और मैं हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बनी है। फाइनली हमारी हीरोइन का दिल भी यहाँ पर पिघल गया था क्योंकि वो दादाजी और बाकी सबसे बोल रही होती है कि जब वो पहली टाइम रैंग से मिली थी फर्स्ट टाइम वो उस टाइम पे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि रैंग उस टाइम पर एक पैम्पर्ड बॉय था जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ईगो भरी हुई थी और वो समझता था कि सारा काम पैसों से ही हो सकता है और पैसे ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन रैंग ने उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से चेंज किया है और वो अब उनके माहौल में भी ढलने लग गया है और इसलिए जिंगजिंग अब खुद को रोक नहीं पा रही है कि वो रैंग को प्यार ना करे। जहाँ पर तभी हमारे हीरो के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे भी समझ में आ जाता है कि जिंगजिंग उसे यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रपोज कर रही होती है। दोनों के बीच में एक क्यूट सी किस होती है जहाँ पर तभी मिस पाई भी आती है और वो भी ये सब कुछ देख लेती है। दादाजी तो यही सोच रहे होते हैं कि वो तो इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए सेपरेट करना चाहते थे और यहाँ तो उनके चक्कर में जिंगजिंग ने रैंग को हाँ ही बोल दी है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मिस पाई ग्रैंडफादर से बात कर रही होती है जहाँ उनसे कह रही होती है कि रैंग को तो जिंगजिंग का कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि उसे सच में उसे कुछ ज्यादा ही प्यार है। ये सुनने के बाद तो दादाजी मिस पाई पर ही गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे हीरो हीरोइन को देखते हैं जो कि साथ में पार्क में घूमने गए होते हैं और उसके बाद वो वहाँ से शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। जहाँ पर तभी क्यूट सा बच्चा आकर रैंग के पीछे झुकने लग जाता है। जहाँ पर सेंसिंग ये नोटिस करती है कि रैंग की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो गई है क्योंकि लोगों के छूने से अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वहीं फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस पाई बेचारी लेडी देवदास बनी हुई थी और वो शराब पे शराब पिए जा रही थी एक क्लब में बैठे हुए। जहाँ पर तभी एक बंदा कर उन्हें छेड़ने लग जाता है लेकिन हमारा दूसरा हीरो यानी कि हैन वहाँ पर पहले से ही मौजूद था और इसलिए वो उस बंदे को वहाँ से भगा देता है। हैन भी फिर वहीं पर बैठ जाता है जहाँ मिस पाई उससे बोल रही होती है कि तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते हो, जिंगजिंग और रैंग को अलग करने में मेरी मदद करोगे क्या। जहाँ पर हैन बोलता है मैं उन्हें सेपरेट तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ में बैठ के ट्रिक जरूर कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिंगजिंग शॉपिंग करते हुए बहुत सारे ब्लाइंड बॉक्सेस खरीद लेती है और जब उन्हें खोल रही होती है तो वही बच्चा आकर उन्हें तंग करने लग जाता है।
रैंग भी उस बच्चे के साथ में खेल रहा होता है और साथ ही जिंगजिंग फिर उससे कहती है कि शायद अब तुम्हारी बीमारी बहुत हद तक ठीक हो रही है क्योंकि तुम सबके साथ में धीरे धीरे इंटरेक्शन कर पा रहे हो। जहाँ पर रैंग भी उसे बताता है कि बिजनेस के दौरान उसे लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ग्रैंडफादर तो उसकी ये बात समझते ही नहीं थे। वो तो हमेशा गु की बीमारी को उसका बहाना ही मानते थे और इसलिए वो उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे, और यही मेन कारण था कि वो गु ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को संभालना तो चाहता था लेकिन अच्छे से संभाल नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ मिस पाइनी बहुत ज्यादा पीली होती है तो वो तो सही से चल भी नहीं पा रही थी और इसलिए हैन फिर उन्हें होटल रूम में छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर फिर मिस पाइनी से ग्लास टूट जाता है, उनके पैर में चोट लग जाती है, हैन फिर उनकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। साथ ही वो उन्हें प्यार से समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। मिस पाइनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है और इसी चक्कर में वो हैन को फर्स्ट किस भी कर लेती है, लेकिन हैन फिर उन्हें वहीं लिटाकर वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ मॉम डैड को भी पता चल गया था कि अब जिंगजिंग और रैंग साथ में है और तो इसलिए वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो भी अपने प्यारे प्यारे मोमेंट्स साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर तभी रैंग और जिंगजिंग भी आ जाते हैं। मॉम डैड ये बहाना करने लग जाते हैं कि वो दोनों तो एक दूसरे को मसाज दे रहे थे क्योंकि उनकी कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन हमारे हीरो हीरोइन भी छोटे बच्चे तो थे नहीं और इसलिए वो सब कुछ समझ रहे थे। जिंगजिंग और रैंग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और मॉम डैड उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि उनके बीच में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है और इसलिए मॉम जाकर फटाफट से गो हग करने लग जाती हैं। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि मॉम के छूने से भी रैंग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन डैड तो वही डैड है और इसलिए उन्हें थोड़ी चिंता होने लग जाती है। रैंग और सिंगजिंग के रिलेशनशिप को उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया था लेकिन स्टिल उनकी कुछ शर्तें थी, जैसे कि उन्हें ज्यादा एक दूसरे से चिपकना नहीं है और रात को एक दूसरे से दूर रहना है। फिर वो दोनों डैड की बातें मानकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। दोनों मैसेज करने का भी सोचते हैं लेकिन उन्हें काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि काफी रात हो गई है। फिर जैसे ही वो दोनों गेट खोलते हैं तो उन्होंने साथ में गेट खोला था और फिर यहाँ वो बहाना बनाने लग जाते हैं कि उन्होंने अभी तक ब्रश नहीं किया और इसलिए वो ब्रश करने जा रहे हैं। वापस से गेट बंद करने के बाद दोनों बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर जिंगजिंग रैंग को बताती है कि उसे राइस नूडल बहुत ज्यादा पसंद है। फिर दोनों को भूख लगने लग जाती है खाने की बातें करते हुए और इसलिए वो दोनों साथ में किचन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन डैड वहाँ पर छुप कर उन पर पहरा रख रहे होते हैं और वो तभी उनको अपने नकली वेपन से आके डराने लग जाते हैं। साथ ही वो कहते हैं, मैं भी तुम लोगों का बाप हूँ और मुझसे अब कोई बहाना बनाने की कोशिश मत करना, मुझे सारे ट्रिक्स पता है, क्योंकि सिंगजिंग तुम्हारी मम्मा भी ऐसे ही नाना जी से झूठ बोलकर मुझसे छुप छुप कर मिलने जो आया करती थी। फिर उन दोनों को वहाँ से भगाकर वो मैट डालकर वहीं पर पहरा देने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिस पाइनी को देखते हैं जो कि अब सोकर उठ चुकी थी और उन्हें रात का कुछ भी याद नहीं था। वहाँ पर हैन ने उनके लिए बहुत प्यारा सा ब्रेकफास्ट बनाया था लेकिन वो नो थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये बात हैन को काफी ज्यादा अजीब भी लगती है। सुबह होते ही सिंगजिंग भी भागते हुए नाश्ता करने के लिए राइस नूडल खाने के लिए वो नुक्कड़ के शॉप पर जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि शॉप की ओनर का पुराना दोस्त जो कि कोई और नहीं बल्कि रैंग के ग्रैंडपा ही थे, वो वहाँ पर राइस नूडल खाने के लिए आए हुए थे। सिंगजिंग बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है कि दादाजी भी ये सब कुछ खाते हैं। जहाँ पर राइस नूडल का सिर्फ अभी एक ही ऑर्डर कंप्लीट हुआ था तो इसलिए जिंदगी उसे शेयर करने के लिए दादाजी के साथ में बैठ जाती है, उनसे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है। जिंगजिंग की इतनी सारी बातें सुनकर और ये जानकर कि जिंगजिंग रैंग को ग्रैंडपा से भी ज्यादा जानती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं। साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि इस लड़की में कुछ न कुछ बात तो जरूर है जो रैंग इस पे इतना ज्यादा लड्डू है। साथ ही फिर वो दादाजी को ये भी समझा रही होती है कि आपको रैंग को प्यार से समझाना चाहिए तो वो आपकी बात जरूर सुनेगा। नेक्स्ट सीन में वो बहुत सारा खाना लेकर रैंग के लिए भी गई हुई होती है कि लेकिन तभी मॉम डैड को ये पता चलता है कि जिस घर में वो लोग 10 सालों से रेंट पे रह रहे हैं और उनकी इतनी सारी यादें हैं, वो घर उनसे किसी ने खरीद लिया है जो कि दोस्त कोई और नहीं बल्कि मिस पाई है, और ऐसा उसने दादाजी के कहने पर ही कहा था। और मिस पाई वहाँ पर आकर उन सबको कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लग जाती है कि ये घर उन्हें एक हफ्ते में ही खाली करना है। मॉम तो इतनी ज्यादा मासूम है कि वो तो उससे यही बोल रही होती है कि तुम रैंग की दोस्त हो तो तुम्हें तो हमारी हेल्प करनी चाहिए। रैंग भी फिर वहाँ पर आता है और वो सबको समझ आता है कि ये कांड किसी और ने नहीं बल्कि दादाजी ने ही किया है। वो फिर मिस पाइनी से बात करते हुए कह रहा होता है कि तुम तो मेरी दोस्त हो और तुम मुझे अच्छे से समझती भी हो तो फिर तुम दादाजी को क्यों नहीं समझाती हो। लेकिन मिस पाइनी दादाजी को आखिरकार क्यों ही समझाती, क्योंकि वो भी तो जिंगजिंग और रैंग को अलग ही करना चाहती है। जहाँ वो रैंग से कहती है कि वो दादाजी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती है और वो क्या चाहते हैं ये तो तुम जानते ही हो।
रैंग फिर अंदर जाकर मॉम डैड और सिंग सिंग को सॉरी बोल रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से ही उनको घर खाली करना पड़ रहा था। लेकिन मॉम डैड तो इतने ज्यादा स्वीट हैं कि वो तो उसे उल्टा ही बोलने लग जाते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए सिंग सिंग और तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, वैसे भी हम लोग हमेशा से ही रेंट पर रहते हुए आए हैं और हमारा तो कोई पर्सनल ठिकाना भी नहीं है और इसलिए तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ पर तभी सिंग विंग छुपते छुपाते हुए फिर से दादाजी से राइस नूडल वाली शॉप पर मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उससे सबसे पहले तो सॉरी बोल रहे होते हैं, साथ ही वो कह रहे होते हैं कि ये डिसीजन मैंने तब लिया था जब मैं तुमसे मिला नहीं था। वो कहते हैं कि वो अपने पुराने ख्यालात और विचारों से ही अपनी कंपनी को चला रहे हैं, जिसमें रैंक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन ये चीज उन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्की लगती थी और इसलिए उन्होंने कभी रैंक का साथ नहीं दिया। और यही रीजन है कि रैंक फिर कंपनी छोड़कर और यहाँ तक कि दादाजी को भी छोड़कर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हम मामा और डैड को देखते हैं जो कि सामान जब शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी एंगेजमेंट रिंग मिलती है। डैड फिर बहुत ही रोमांटिक होते हुए मामा को उसे पहना रहे होते, लेकिन तभी वह नीचे गिर जाती है, जहाँ पर उन्हें सिंग सिंग की बचपन का एल्बम मिल जाता है और वो रैंक को दिखाते हैं। रैंक भी काफी ज्यादा उनकी मजे ले रहा होता है, बहुत ही खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी मॉम को डैड के छुपाए हुए सेविंग वाले पैसे भी उसमें मिल जाते हैं। डैड तो बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और मॉम तो उनकी वाटी लगा देती है। सिंग सिंग की फैमिली को देखकर रैंक को अपने ग्रैंडफादर की याद आ जाती है कि वो भी उसे ऐसे ही स्कूल छोड़ने जाते थे और उससे प्यार भी बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन रैंक को हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं ग्रैंडपा भी उसे मॉम डैड की तरह छोड़कर हमेशा के लिए ना चले जाएं। सिंग सिंग भी वहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों लोग प्यार से बात करने लग जाते हैं। जब पर रैंक को वो रिंग मिल जाती है, वो फटाक से उठा के चुपचाप सिंग सिंग को पहना देता है। ग्रैंडफादर के कहने पर सिंग सिंग को बार बार उनसे मिलने के लिए राइस नूडल शॉप में जाना पड़ रहा था और इसलिए वो रेनकोट पहनकर जाती है ताकि राइस नूडल की स्मेल से रैंक को उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता ना चल जाए। जहाँ पर ग्रैंडफादर भी उसे बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उसकी हेल्प करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन हमारी हीरोइन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो रैंक से ये सब कुछ छुपा जो रही थी। घर आते ही जैसे ही वो उस रेनकोट को छुपा देती है तो हमारा चंट हीरो उसे निकाल लेता है और उसे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है। अच्छा, वो सोचता है कि दाल में कुछ तो काला है और इसका पता उसे लगाना ही पड़ेगा। रैंक की वजह से ही सिंग सिंग और उसके मॉम डैड का घर उनसे छिन रहा था और इसलिए रैंक फिर उनका रहने का इंतजाम करने के लिए वो अपना एक फ्लैट देने के लिए बोलता है, लेकिन वो ये चाहता है कि ये बात सिंग सिंग और उसके मॉम डैड को पता ना चले वरना वो उसे फ्लैट नहीं लेंगे और वो उसका रेंट भी बहुत ज्यादा कम रखता है। लेकिन बेचारे रैंक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है जब सिंग सिंग रैंक का फोन चेक करती है और वहाँ का वाईफाई रैंक के फोन से कनेक्ट हो जाता है और वो समझ आती है कि ये सब कुछ इसी ने प्लान किया है और इतना हाई फाई फ्लैट उनको इतने कम रेंट पर इसीलिए मिल रहा था। रैंक से गुस्सा होकर वो वहाँ से जा रही होती है। बेचारा हमारा हीरो बहुत उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है और आखिरकार वो मान ही जाती है, साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हें एटलीस्ट अपने दादाजी से मिलकर सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रात के टाइम में घर में डैड सारे टूटे फूटे सामानों को ठीक कर रहे थे ताकि न्यू जो रेंट पे रहने के लिए आए उसे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पर तभी रैंक उन्हें सॉरी बोलने लग जाता है, लेकिन फिर डैड उसे समझा रहे होते हैं कि ये सब कुछ उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सिंग सिंग और रैंक उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर तभी अचानक से मॉम भी टपक जाती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश और हैरान हो रही होती है कि डैड ने रैंक के ऊपर हाथ रखा हुआ है, लेकिन रैंक को तो कोई एलर्जी या कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सब लोग एक दूसरे को हग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे हमारा चंट हीरो फिर उसी राइस नूडल शॉप पे जाता है, जहाँ के ओनर से उसे पता चल जाता है कि सिंग सिंग छुप कर रैंक के दादाजी से यहाँ पर मिलने के लिए आती है। फिर सब कुछ जाने के बाद रैंक फटाक से जाता है अपने दादाजी के ऑफिस में और ग्रैंडपा भी उसे देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली उनका पोता वापस तो आया है। लेकिन यहाँ पर रैंक उनसे एक शर्त रखता है, मैं वापस तो आ गया हूँ लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ग्रैंडपा उससे बिना कोई झगड़ा किए उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस तुम यहीं पर रहो, और साथ ही वो कहते हैं कि सिंग सिंग का घर भी अब सेफ है, वो जब तक चाहे वहाँ पर रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सिंग सिंग को देखते हैं जो कि बेचारी चेयर बनी हुई थी क्योंकि इसे पनिशमेंट जो मिल रही थी, क्योंकि मॉम को भी पता चल गया था कि सिंग सिंग रैंक के ग्रैंडफादर के साथ में मिलकर उनकी सुलह करने की कोशिश कर रही थी और वो भी उनसे झूठ बोलकर। रैंक भी फिर उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि एटलीस्ट उसे इतनी सजा तो झूठ बोलने की जरूर मिलनी चाहिए। झूठ बोलने के लिए सिंग सिंग उसे बहुत सॉरी कर रही होती है, लेकिन रैंक उसे बोलता है कि मैं भी अब तुम्हें पनिशमेंट दूंगा और तुम्हारी सजा ये है कि जैसे ही मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे बॉडीगार्ड बन के रहना है। जहाँ पर इतनी अच्छी सजा सुनने के बाद तो वही हमारी हीरोइन का दिल ही खुश हो जाता है। सिंग सिंग भी फिर एकदम
एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड की तरह खुद को रेडी करने लग जाती है। वो बहुत सारे कार के स्टंट सीखती है और सारे वेपन चलाना सीख रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई भी काम ना हो जो कि रैंक के बॉडीगार्ड को ना आता हो, जिसके चक्कर में बेचारी हमारी सारा को भी पिसना पड़ जाता है। जैसे फिर वो लोग ऑफिस जा रहे होते हैं तो जिंग जिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, एकदम प्रोफेशनल बॉडीगार्ड के स्टाइल में आती है, वैसे ही ड्रेस अप करके आई होती है, हील पहन के चली रही होती है, लेकिन तभी वो स्लिप हो जाती है। सारे वेपन्स खोल खोल कर वो सबको उनका यूज दिखा रही होती है, लेकिन सब कुछ वहाँ पर गड़बड़ हो रहा होता है। फिर रैंक उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है, तुम जैसी हो तुम वैसी बहुत अच्छी हो। जैसे ही फिर वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो सब उनका बहुत प्यार से वेलकम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर तभी एक बुकी अचानक से गिरने वाला होता है तो जिंग जिंग आकर उसे एकदम स्टाइल में घूमते हुए पकड़ लेती है और सारे ऑफिस स्टाफ तो उसे देखकर हैरान ही हो जाता है, काफी इम्प्रेस भी हो जाते हैं सब लोग। जिंग जिंग एकदम प्रोफेशनल बॉडी गार्ड की तरह ही रैंक का एकदम सारा काम कर रही होती है, क्योंकि हमारी झल्ली हीरोइन ने इस जॉब को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। वेल तो फिर सिंह बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है, क्योंकि उसे और कोई काम ही नहीं था और रैंक भी ऑफिस से कहीं बाहर जाता ही नहीं था, तो इसलिए वो बैठकर स्केचिंग कर रही होती है। जहाँ वो एक पार्सल लेकर मिस भाई के रूम में जाती है, लेकिन मिस भाई तो बिल्कुल उसे भाव नहीं दे रही थी और एकदम स्टाइल में बैठी हुई थी, क्योंकि उसे तो उससे ऑलरेडी बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है। वो बार बार उसे अपने छोटे बड़े काम करने के लिए बोल रही होती है, फिर वो एक पौधे को शिफ्ट करने के लिए बोलती है, जहाँ पर जिंग जिंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो सीजर लेकर ही उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि मैं इसे शिफ्ट नहीं करूंगी बल्कि इसे काट दूंगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारी नहीं बल्कि रैंक की बॉडीगार्ड हूँ। जिंग जिंग और द रैंक की नजदीकियां तो बढ़ती ही जा रही थी, लोगों को भी उनपे धीरे धीरे शक होने लग जाता है, लेकिन शिंग शिंग हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर सब कुछ संभाल ही लेती थी। सेक्रेटरी भी शिंग शिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा होता है, जिससे कि ये रूमर फैलने लग जाता है कि शायद सेक्रेटरी ही शिंग शिंग का बॉयफ्रेंड है। शिंग शिंग तो इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसका नाम रैंक के साथ में नहीं जोड़ा जाएगा और लोगों को उन पे शक भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये बात रैंक को मालूम होती है, वो तो सेक्रेटरी को छुट्टी देकर सारा के साथ में घूमने के लिए वहाँ से भेज देता है। सो जाहिर से बात है कि कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ में थोड़ी ना देख सकता है। वेल तो रैंक सारे स्टाफ के सामने शिंग शिंग का बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखने लग जाता है, जिससे कि लोगों को ये लगने लग जाए कि शिंग शिंग का बॉयफ्रेंड सेक्रेटरी नहीं बल्कि रैंक है। लेकिन यहाँ तो उसके प्लान पे पानी ही फिर जाता है। लोग तो यही सोच रहे होते हैं कि बॉस अपने एम्प्लॉय का कितने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट डे शिंग शिंग सारे स्टाफ के साथ में लंच पे गई हुई होती है, जहाँ रैंक भी चोरी छुपे उसे घूर रहा होता है। शिंग शिंग ने उसे देख लिया था और उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा उतार रही होती है, लेकिन अचानक से ही एक लेडी की टक्कर से उन दोनों के बीच में किस हो जाती है, जिससे कि सारा स्टाफ ही उनको देख लेता है और यहाँ पर रैंक सबको बताने लग जाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। नेक्स्ट डे सब लोग ऑफिस में उन्हीं के बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं, लेकिन जिससे कि जिंग जिंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन फिर रैंक सबको समझाते हुए बोलता है कि जिंग जिंग के लाइफ में आने के बाद से ही उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा खुशनुमा हो चुकी है, और अगर आज वो नहीं होती तो शायद उसका फोबिया तो कभी ठीक होता ही नहीं। साथ ही वो उसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सबको बताने लग जाता है, जिससे कि सब लोग जिंग जिंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होने लग गए थे। लेकिन शायद मिस पाई को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो काफी ज्यादा जेलस भी फील कर रही होती है। सीधा जाकर दादाजी से मिलती है, लेकिन दादाजी भी तो आजकल जिंग जिंग की साइड में ही थे, जो कि उसे डांटते हुए ये समझाकर वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं कि वैसे भी रैंक बड़ा हो चुका है तो वो अपनी जिंदगी के फैसले अपने अकॉर्डिंग ले सकता है। वो जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना ध्यान रखो। जिसके बाद नेक्स्ट डे मिस पाए, जो कि गुस्से में लाल पीली थी, वो जिंग जिंग को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है कि रैंक के साथ तुम बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हो और इसलिए दूर रहो, मेरे जैसी लड़की है उसके साथ में सही रहेगी। जिससे कि जिंग जिंग तो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और सोचती है कि शायद मिस पाए सही कह रही है। सिंह सिंह दादाजी के साथ में होती हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। साथ ही दादाजी उसे ये भी समझाते हैं कि रैंक को कोई भी कंपैटिबल बिजनेस पार्टनर नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि सिंसियर और तुम्हारे जैसा एकदम ऑनेस्ट हो। ये सुनते ही जिंग जिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, साथ ही उसकी सारी गलतफहमी भी दूर हो चुकी थी।
वहीं सेक्रेटरी भी सारा के साथ में होता है जो कि उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। दोनों के बीच में भी रोमांस चल रहा होता है जिससे कि सारा भी काफी ज्यादा खुश लग रही थी। यहाँ मिस फाई रैंक के साथ में रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही होती है, बार बार उसके नजदीक जा रही होती है, लेकिन रैंक तो भाई रैंक ठहरा, वो तो उसे अपने पास आने ही नहीं देता। वही एक चोर एक ऑर्डर का फोन लेकर भाग रहा होता है, लेकिन जिंगजिंग उसे अपने मार्शल आर्ट स्टाइल में एकदम मजा चखा देती है, जिससे कि वो फोनर तो उसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो तो मार्शल आर्ट सीखने के चक्कर में जिंगजिंग के घर ही पहुंच जाता है, जहां उसे डैड भी बहुत अच्छे से सिखाने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे एक ऑफिस मीटिंग में उनका सामना एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर से होने वाला था, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है। एंड गाइस कोई और नहीं बल्कि वही फोनर यानी कि विलियम था। जिंगजिंग को देखते ही विलियम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही रैंक का कॉन्ट्रैक्ट भी उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और ये डील भी फाइनलाइज हो जाती है, जिससे कि सब लोग तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे। नेक्स्ट सीन में सब लोग जिंगजिंग के घर पर होते हैं, क्योंकि विलियम मार्शल आर्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था जिसमे उसने जिंगजिंग को ऐसा मॉडल लिया हुआ था। जहाँ पे शूटिंग उनकी स्टार्ट हो चुकी थी, मिस भाई भी वही होती है जो कि अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग अपना ब्लड स्वाट पर लगा चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी सिंगजिंग को ब्लड फोबिया है और इसलिए उसने ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। लेकिन ये क्या, यहाँ तो मिस भाई के प्लान पर पूरी तरह से पानी फिर चुका था। सिंगजिंग के बेहोश होते ही रैंक उसे बचाने के लिए जा रहा था और इसी के चक्कर में एक लाइट भी उसके ऊपर गिरने वाली होती है, जो कि रैंक के ऊपर गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और इस बात से तो मिस भाई बहुत ज्यादा सैड भी हो चुकी थी और ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रही थी। नेक्स्ट डे वो रैंक से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और उसे सॉरी बोलते हुए वहां से ये बोलकर जाने लग जाती है कि मैं कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर यहां से बहुत दूर जा रही हूं, जिसके बाद रैंक और जिंगजिंग भी उसे माफी दे ही देते हैं। यहाँ मिस्टर हैंड मिस भाई का कुछ ज्यादा ही लाइक करने लग चुका था और वो भी उसके साथ जाने लगता है। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और रैंक और जिंगजिंग के बीच की दूरियां भी मिटती जा रही थी। वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी थी। साथ ही रैंक भी उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहा होता है, जिसके बाद अचानक से एंट्री होती है हमारे हैंडसम विलेन की और ये कोई और नहीं बल्कि डिजाइनिंग ऑफ डिपार्टमेंट का हेड होता है, जिसकी रैंक के साथ में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बोले तो उन दोनों के बीच में 36 का ही आंकड़ा था और इसी चक्कर में उसने जिंगजिंग के सारे डिजाइन को भी रिजेक्ट मार दिया था, जिससे कि वही हमारी झल्ली हीरोइन तो बहुत ही ज्यादा सैड हो चुकी थी। नेक्स्ट डे रैंक सारा और सेक्रेटरी मिलकर जिंगजिंग को चीयर करने के चक्कर में लगे हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं, जिससे कि थोड़ी देर के लिए तो जिंगजिंग भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, लेकिन वो भी समझ जाती है कि ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि इन तीन बंदरों का ही काम है। वेल तो बाहर में दोनों राइवल्स की मुलाकात होती है, जहाँ पर फाइनली मिस्टर लैंग को जिंगजिंग की नॉलेज और उसके स्किल्स के बारे में सब कुछ सच सच पता चल जाता है और वो उसे नेक्स्ट डे ही अपने ऑफिस में जॉब देने के लिए बुला लेता है। लेकिन उनकी मुलाकात कुछ इस अंदाज में होती है, मिस्टर लैंग की सारी कॉफी जिंगजिंग के ऊपर गिर चुकी थी, लेकिन उसे सॉरी बोलने के बजाय वो तो एकदम अकड़ में वहां से ये बोलकर जाने लग जाता है कि वाह क्या अच्छी डिजाइन बन चुकी है। जिंगजिंग का भी बहुत गुस्सा आता है, वो भी उसके ऊपर कॉफी फेंकते हुए मारती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो वो तब हो जाती है जब वो ये देखती है कि उसका न्यू बॉस कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लैंग ही होने वाला है। नेक्स्ट सीन में जिंगजिंग अपने बॉस यानी मिस्टर लैंग के साथ में एक रूम में बिना फोन के बंद हो जाती है और साथ ही उनका गलती से सर भी फोड़ डालती है, जिससे कि उनका तो खून ही निकलने लगा था। लेकिन वो तो उसे देखती नहीं कि वो दोबारा से कहीं बेहोश ना हो जाए, क्योंकि उसे ब्लड फोबिया जो था। वो लोग बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे होते हैं, इसलिए जिंगजिंग अपनी डिजाइनिंग स्किल्स दिखाते हुए वॉल पे रंगों से खेल रही होती है, जिसे बाद में मिस्टर लैंग भी ज्वाइन कर ही लेते हैं। लेकिन ये क्या, उनको तो चोट लग जाती है, जहाँ अचानक से कोई पहुंच आता है, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। जिंगजिंग वहाँ पर उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही होती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोटें जो लगी हुई थी, साथ ही उसे इस बात का भी गिल्ट था कि ये सब कुछ उसके चक्कर में ही हुआ है। लेकिन वहाँ पर रैंक पहुँचाता है, उन दोनों को साथ में इस हालत में देखकर उसे तो बहुत ही ज्यादा जेलसी होने लग गई थी। घर आने के बाद भी वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन अपनी झल्ली हीरोइन तो झल्ली ठहरी, वो जैसे तैसे करके उसे मना ही लेती है। लेकिन जैसे ही वो लोग रोमांस कर रहे होते हैं, मॉम डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डैड को तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन मॉम उसे संभाल लेती है।
धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और दोनों के रोमांस में डैड कुछ ज्यादा ही अड़ंगे डाल रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों ही ये फैसला करते हैं कि वो रैंक के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं ऑफिस में जिंगजिंग के स्किल्स और नॉलेज बहुत ज्यादा धमाल दिखाने लग जाती हैं और ऑफिस में सारे स्टाफ के साथ साथ इस बार मिस्टर लैंग भी उसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। यहाँ डैड को जैसे ही उनकी शिफ्टिंग वाली बात मालूम होती है वो तो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन मॉम उन्हें संभाल लेती है और समझाते हुए बोलती है कि हमारे बच्चों की एक प्राइवेट लाइफ है जिसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। और देखते ही देखते नेक्स्ट सीन में ही चिंगचिंग भी अपना सारा सामान लेकर रैंक के साथ में शिफ्ट हो चुकी थी। दोनों बहुत ही प्यार से और साथ में अच्छे से क्यूटली रहने लग जाते हैं और अब तो उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं था। नेक्स्ट डे रैंक और जिंगजिंग साथ में होते हैं जो कि एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं और स्टाफ भी उन्हें देख लेता है और वहाँ से हड़बड़ा कर ही भाग जाता है। सारा को सेक्रेटरी पर डाउट होने लग जाता है क्योंकि वो रात रात भर गायब जो रहता था, जिसके बारे में वो जिंगजिंग से भी बात करने लग जाती हैं और जैसे ही वो उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं, जिंगजिंग तो बिना सोचे समझे ही उसे मार्शल आर्ट स्टाइल में धो धो कर मारने लगती है। लेकिन भाई जैसे ही उन्हें ये मालूम होता है कि सेक्रेटरी तो भाई रात रात भर जाकर पार्ट टाइम जॉब से सारा के लिए एक वेडिंग ड्रेस ले रहा है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये भी रिवील हो जाता है कि मिस्टर लैंग जिगजिग को बहुत ही ज्यादा लाइक करने लग चुका था और इसलिए उसने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग रैंक की राइवल कंपनी के साथ हाथ मिलाकर सारे इम्पोर्टेंट डिजाइन अपनी एक लेडी स्पाई के जरिए चोरी करवा लिए थे। लेकिन वो तो ये जानता नहीं था कि हमारा हीरो तो डबल स्मार्ट था। वो स्पाई लेडी रैंक के साथ में ऑलरेडी मिली हुई थी और यहाँ तो मिस्टर लैंग का भांडा ही फूट जाता है और उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उस लेडी को ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है और सब काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दादाजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। रैंग और जिंगजिंग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं वो तो बहुत ज्यादा सैड होने लग जाते हैं। मरने से पहले दादाजी की एक ही विश होती है कि वो अपने पोते रैंग को जिंगजिंग के साथ में शादी मनाते हुए देखना चाहते हैं। जैसे ही वो दोनों हाँ बोलते हैं दादाजी झट से उठकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये सब तो उनका प्लान था ताकि रैंग शादी के लिए हाँ बोल दे, और वैसा ही हुआ। वही जैसे ही मॉम डैड को भी उनकी शादी के बारे में मालूम होता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रैंग जिंगजिंग को सबके सामने खूबसूरत वे में प्रपोज करने लग जाता है और जिंगजिंग भी हाँ बोल देती है, जिसके बाद उनके पूरे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनकी शादी हो जाती है और दादाजी भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही सब लोग उनको बहुत ज्यादा बधाइयां भी दे रहे होते हैं, जहाँ हैन भी होता है। सो गाइस इसी के साथ इस खूबसूरत से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट ड्रामा आप कौन सा देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं।